दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ओल्ड प्रोसेस से वेबसाइट बनाना सीखेंगे, मतलब ब्लॉगर या ब्लॉग स्पॉट की हेल्प से जो है वो वेबसाइट बनाएंगे। ये कंप्लीट वीडियो है ब्लॉगर के ऊपर, सभी बेसिक से लेकर के एडवांस टूल के बारे में जो है हम लोग काफी डिटेल्स में बात करेंगे, जैसे कस्टम डोमेन सेटअप करना हो, वेब मास्टर टूल या फिर सर्च कंसोल जो है वो सेटअप करना हो, एनालिटिक्स सेटअप करना हो। और इस वीडियो में एक स्पेशल सेक्शन है HTML एंड CSS एडिटिंग का। मैं आपको कोई कोडिंग वगैरह नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूंगा कि आप जो है HTML एंड CSS की हेल्प से कैसे आप जो है ब्लॉगर की वेबसाइट को भी प्रोफेशनल लुकिंग बना सकते हैं। तो स्पेशली जो है वो सेक्शन आप देखना ना भूलें। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन आप जो है 500 रुपए के करीब जो है वो ईयरली खर्च कर सकते हैं। इससे आपका जो है बिल्कुल प्रोफेशनल आपके डोमेन के साथ जो है वो वेबसाइट हो जाएगा। यहाँ पे जो है कोई भी आपको होस्टिंग चार्ज वगैरह जो है वो नहीं लगता है। उसी के साथ आपका जो वेबसाइट है वो काफी फास्ट होगा और साथ ही जो है वो सिक्योर भी होगा। या फिर अगर आप जो है एडसेंस अप्रूव करवाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ब्लॉगर एक बेस्ट ऑप्शन है। एडसेंस अप्रूव जो है वो काफी इजीली ब्लॉगर के ऊपर हो जाता है। अगर आप 15 दिन भी मेहनत से काम करते हैं तो आपका जो है एडसेंस अकाउंट जो है वो अप्रूव हो जाएगा। तो उसके बाद जो है अप्रूव होने के बाद जो है आप अपने वेबसाइट को दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे वर्डप्रेस वगैरह पे जो है वो जंप कर सकते हैं। वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको जो है हमारे चैनल के ऊपर काफी डिटेल्स में मिल जाएंगी। तो खैर इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैंने कवर किया है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। साथ ही आपको जो है टाइम लिंक या टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा हर टॉपिक के सामने। तो जैसे उस टाइम के ऊपर आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो है वीडियो के उस सेक्शन में उस टॉपिक के ऊपर जो है आप जंप कर जाएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या जो भी इंपॉर्टेंट लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। खैर चलिए हम लोग चलते हैं वेबसाइट बनाने के मिशन पे। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपको google.com के ऊपर आना है। राइट साइड में आपको AppTree का आइकॉन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। ये है ब्लॉगर, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, क्रिएट योर ब्लॉग। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है गूगल के अकाउंट से लॉगिन करना है। अगर आप फ्रेश वे में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप जो है एक फ्रेश अकाउंट जो है वो गूगल का क्रिएट कर लीजिए या फिर सिंपल जो है आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो है आप डायरेक्टली ब्लॉगर के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहां से हमें एक नया ब्लॉग जो है वो क्रिएट करना है। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है टाइटल एंड देन उसके बाद जो है एड्रेस है। तो टाइटल में जो भी आप अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो यहां पे आप डाल दीजिए। तो फॉर एग्जाम्पल बिल्ली फॉर यू डेमो। नीचे आपको जो है एड्रेस डालना है कि आपका जो वेब एड्रेस है वो क्या होगा। तो मैं यहां पे डालता हूं बिल्ली फॉर यू डेमो। ओके, बिल्ली फॉर यू डेमो डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये अवेलेबल है कि नहीं है वो यहां पे आपको पता चल जाएगा। तो हो सकता है कि आपने जो नाम ट्राई किया है या जो वेब एड्रेस आपने ट्राई किया है वो यहां पे अवेलेबल ना हो, तो आपको जो है वो दूसरा ट्राई करना पड़ेगा। अब यहां पे हमें जो है वो थीम सेलेक्ट करना है, तो आप ये चीज बाद में भी कर सकते हैं, आप कोई भी थीम यहां पे अभी चूज कर लें। मैं जो है ये कॉन्टेम्पो जो है वो आपको सजेस्ट करूंगा और इसी के ऊपर हमारी पूरी आगे की वीडियोज जो है वो होगी। तो यहां से मैं ये थीम सेलेक्ट कर लेता हूं, क्रिएट ब्लॉग। गूगल डोमेन सर्च से आप जो है डोमेन भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे नो थैंक्स कर देता हूँ क्योंकि गूगल की जो डोमेन सर्विस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो हमारा जो ब्लॉग है वो फाइनली क्रिएट हो गया, हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव भी हो गया। यहाँ से अगर आप व्यू ब्लॉग में जाते हैं तो आप जो है अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं। फिलहाल अभी इसके ऊपर कोई भी कॉन्टेंट नहीं है लेकिन हमारा जो वेबसाइट है वो लाइव हो चुका है और हमारा जो वेब एड्रेस है वो है बिल्ली फॉर यू डेमो डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम। डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम जो है वो ब्लॉग स्पॉट की वजह से है। हम चाहें तो यहाँ पे अपना खुद का डोमेन लगा सकते हैं जैसे बिल्ली फॉर यू डॉट कॉम या डॉट इन, वो भी हम लोग आगे जो है वो देखने वाले हैं। तो फाइनली हमारा वेबसाइट जो है वो लॉन्च हो चुका है। अब इसके ऊपर जो है हमें कस्टमाइजेशन करने हैं, जो भी पोस्ट वगैरह डालना है वो सारी चीज़ें जो है वो हमें करनी है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टैट्स है, कमेंट्स, अर्निंग्स, एडसेंस वगैरह ऐड करने के लिए, पेजेस, लेआउट, थीम, सेटिंग्स। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसका इंटरफेस नहीं है। चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद जो है सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है बेसिक का। यहाँ पे जो है हमारे पास टाइटल है, मतलब वेबसाइट का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
उसके बाद जो है वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन है, अगर आप कुछ डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ, मतलब टैगलाइंस जो होता है वो अगर आप डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। प्राइवेसी है, अगर आप सर्च इंजन वगैरह में नहीं शो करना चाहते अपने इस ब्लॉग को तो यहाँ से जो है आप नो कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग एड्रेस है, जो हमने वेबसाइट का जो एड्रेस क्रिएट किया था बिल्ली फॉर यू डेमो, अगर आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में हम लोग जो है डोमेन यही पे ऐड करेंगे। उसी के साथ नीचे जो है आपको SSL की सेटिंग्स मिल जाती है, यहां पे बाय डिफॉल्ट यस है तो आप इसे यस ही रहने दें। काफी अच्छी बात है कि ब्लॉगर में जो है आपको फ्री SSL सर्टिफिकेट मिल जाता है, मतलब आपका वेबसाइट जो है वो 100% सिक्योर होता है। नीचे है परमिशन, अगर आप जो है मल्टीपल एडमिन या फिर ऑथर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो आप जो है यहां से ईमेल्स डाल करके इनवाइट कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। वैसे ही ब्लॉग रीडर्स हैं, अभी यहाँ पे पब्लिक है बाय डिफॉल्ट, अगर आप इसे प्राइवेट करना चाहते हैं या फिर सिर्फ स्पेसिफिक यूजर्स के लिए इसे अलाउ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल ईमेल एड्रेस डालना होगा और वही लोग इस ब्लॉग को देख पाएंगे। यहाँ पे हमारे पास पोस्ट एंड कमेंट्स हैं, शेयरिंग है, एक पेज के ऊपर कितना पोस्ट जो है वो शो करेगा 7। यहाँ पे पोस्ट टेम्पलेट है, अगर आप ये चाहते हैं कि हर ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जो है कुछ खास चीज़ें आप जो है परमानेंटली रखना चाहते हैं, जैसे मैं कि मेरे YouTube चैनल के ऊपर विजिट कीजिए, ये टेक्स्ट मैं परमानेंटली हर इसमें रखना चाहता हूँ, तो उस तरह का टैंपलेट जो है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ और भी सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। ईमेल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जो भी आपको चेंजेस करने हो, चेंजेस करने के बाद जो है यहाँ पे राइट साइड में आपको सेव सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, उसे ज़रूर प्रेस कर दें। यहाँ पे ईमेल्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन है, अगर आप डायरेक्टली ईमेल से पोस्ट वगैरह करना चाहते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज है, अगर आप लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं इस ब्लॉग का तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो लैंग्वेज मिल जाएंगे। टाइम फॉर्मेट्स वगैरह है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है सर्च प्रेफरेंस। अब यहाँ पे आपको जो है मेटा टैग्स डालना है, मेटा डिस्क्रिप्शन डालना है। ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले इसको ऑन कर लेते हैं। यस, इसको ऑन करना काफ़ी ज़रूरी है SEO के लिए। अब यहाँ पे जो है हमारे पास मेटा डिस्क्रिप्शन है, मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ पे बिल्ली फॉर यू सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है बिल्ली फॉर यू गेट लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स। ये जो नीचे आ रहा है ना, ये हमारा है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको डालना जरूरी है कि आपका वेबसाइट जब शो करेगा तो ये डिस्क्रिप्शन जो है वो साथ में शो करेगा। तो क्या आप इसमें शो करना चाहते हैं अपने वेबसाइट के बारे में जो है वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो वो चीज़ यहाँ पे आप जो है वो जरूर डाल दें। ओके, एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो है कस्टम पेज, नॉट फाउंड सेटिंग। नॉट फाउंड पेज जो होता है उसमें अगर आप कुछ कस्टम सेटिंग्स करना चाहें, HTML कोड वगैरह डालना चाहें तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। कस्टम रीडायरेक्ट्स है, अगर आपने कभी किसी पोस्ट का जो है वो URL वगैरह चेंज किया है तो यहाँ से आप रीडायरेक्ट सेट कर सकते हैं ताकि 404 एरर ना आए। उसी के साथ यहाँ पे कुछ सर्च कंसोल और मोनेटाइजेशन से रिलेटेड ऑप्शन है जिसको हम लोग जो है वो लास्ट में देखेंगे। यहाँ पे अदर ऑप्शन है इंपोर्ट एंड बैकअप, अगर आप इस वेबसाइट को मूव करना चाहते हैं या फिर बैकअप वगैरह बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जो है आप बैकअप बना सकते हैं सारे कॉन्टेंट का, जो भी पोस्ट एंड पेज वगैरह होगा, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ बैकअप है तो उसे अगर आप यहाँ पे इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से ब्लॉग को डिलीट कर सकते हैं और भी कुछ दूसरे ऑप्शन हैं। अगर आप एडल्ट कंटेंट डालने वाले हैं तो यहाँ से आप इसको येस कर दीजिए और गूगल एनालिटिक्स कोड जो है वो यहाँ पे हमारा पेस्ट होगा जिसके ऊपर भी हम काफ़ी डिटेल्स में देखेंगे। उसी के साथ यहाँ पे यूज़र सेटिंग्स है, तो यहाँ पे आप एडिट में जा सकते हैं। आप जो है अपने ब्लॉग के ऊपर जो पोस्ट करेंगे तो वहाँ पे क्या नाम शो करेगा उस चीज़ की एडिटिंग जो है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो क्या नाम शो करेगा यहाँ पे, शेयर योर प्रोफाइल बिल्ली फॉर यू, डिस्प्ले नेम जो है वो बिल्ली फॉर यू होगा। कुछ लोगो वगैरह यहाँ पे डालना चाहते हैं तो वो लोगो जो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये इमेज यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, एंड फाइनली आपको जो है सेव प्रोफाइल कर देना। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है आप, तो वो चीज़ जो है आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ से जो है आप प्रोफाइल एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस थे सेटिंग्स में। अब फाइनली जो है हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे किस तरीके से हम लोग जो है वो ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करेंगे। दोस्तों, पोस्ट क्रिएट करने के लिए आपको जो है लेफ्ट साइड में पोस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा या फिर होम पेज के ऊपर ही आपके सारे पोस्ट होते हैं। यहाँ पे आपको जो है न्यू पोस्ट का एक बटन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है पोस्ट टाइटल डालना है, जिस बारे में भी आप पोस्ट लिख रहे हैं उसका टाइटल क्या होगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ माई फर्स्ट ब्लॉग पोस्ट और मैं डैश दे करके बिल्ली फॉर यू।
ओके बस ऐसे ही मैंने दे दिया। तो ये है मेरा पोस्ट टाइटल। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो पब्लिश का ऑप्शन है। फाइनल स्टेप होगा ये, मतलब सारी कुछ करने के बाद जो है हम लोग उसे पब्लिश करेंगे। यहाँ पे सेव है अगर आप इस पोस्ट को ड्राफ्ट में सेव करना चाहते हैं, या फिर प्रिव्यू है आप इस पोस्ट को प्रिव्यू करना चाहते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, या फिर क्लोज है हमारे पास। ये जो एरिया है ये हमारा मेन एरिया है, इसी में हम जो है वो जो भी हमें लिखना है, जो भी कंपोज करना है, जो भी हमारा आर्टिकल्स है वो इसी एरिया में जो है वो लिखा जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, कंपोज, कंपोज में जो है हमें वर्ड की तरह से सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, या फिर हमारे पास जो है HTML का भी ऑप्शन है। तो अगर आप HTML में गुड हैं तो आप जो है यहाँ पे HTML में टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं से कोई सोर्स कोड वगैरह मिला है HTML का तो वो डायरेक्टली आप जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपोज है, अगर आपने HTML में कुछ टाइप किया है तो आप जो है उसे कंपोज में देख सकते हैं विजुअली, या फिर आपने कुछ विजुअली जो है वो यहाँ पे डिजाइन किया है, टाइप किया है, तो उसका जो है HTML कोड भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे जो है देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो हम लोग टाइप करना शुरू करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सबसे पहले एक टेक्स्ट, दिस इज डमी टेक्स्ट। ओके दिस इज डमी टेक्स्ट। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे फंट, किस फंट में आप जो है वो टाइप करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल नीचे जो है आप दूसरे फंट में टाइप करना चाहते हैं, ये फंट में, तो आप जो है वो टाइप कर दीजिए यहाँ पे हेलो। तो अब ये जो है हमारा फॉन्ट जो है वो चेंज हो गया। अगर आपने ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो सिंपल सिलेक्ट करके आप यहाँ से जो है वो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं ये फॉन्ट रखना चाहता हूँ, इसको मैं चेंज करके जो है टाइम्स। ओके नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का साइज आप क्या रखना चाहते हैं, स्मॉलेस्ट या फिर एक्स्ट्रा लार्ज। तो जो भी आप अपने हिसाब से रखना चाहते हैं रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कि जो आप टेक्स्ट सेलेक्ट किया हुआ है जो आपने, या फिर जो आप आगे टाइप करने वाले हो वो क्या होगा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो हेडिंग है, तो अगर आपको कुछ हेडिंग डालना है फॉर एग्जांपल स्टेप वन, ये मेरा हेडिंग है, तो आप हेडिंग रख सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे सब हेडिंग है। उसके बाद जो है अगर आपको नॉर्मल पैराग्राफ रखना है तो यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट कर लीजिए, तो ये हमारा जो है वो नॉर्मल होगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन वगैरह। तो किसी को भी बोल्ड करना हो आप जो है यहाँ से डायरेक्टली बोल्ड कर सकते हैं, किसी को अंडरलाइन करना हो या फिर इटैलिक करना हो आप जो है यहाँ पे इटैलिक वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट के कलर का, अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं सिंपल। और नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करने का, अगर आप किसी भी टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप जो है वो चीज़ यहाँ से कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स ऑप्शन थे। अब थोड़ा सा जो है ये ऑप्शन हमारे लिए थोड़ा एडवांस ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहला लिंक। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई टेक्स्ट है सब्सक्राइब, ओके सब्सक्राइब, अब ये चाहते हैं कि सब्सक्राइब के ऊपर जैसे कोई क्लिक करे वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर चला जाए, है ना, मतलब कोई भी यूआरएल आपका हो सकता है, मैं एग्जांपल के लिए यूट्यूब चैनल ले रहा हूँ। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और उसके बाद लिंक में गए, अब हमें यहाँ पे यूआरएल जो है वो पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ youtube.com/believeforyou, मेरे YouTube चैनल का लिंक है ये, या फिर आप जो है यहाँ पे ईमेल डाल सकते हैं। तो जैसे कोई ईमेल के ऊपर क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली ईमेल सेंड करने के लिए आ जाएगा उसे। यहाँ से जो है आप लिंक को टेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं एक नया पॉपअप विंडो ओपन हो गया और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये लिंक जो है वो सही है या नहीं है। नीचे यहाँ पे हमारे पास जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, ओपन दिस लिंक इन ए न्यू टैब। अगर आप ये चाहते हैं कि ये जो लिंक है ये न्यू टैब में ओपन हो तो इसको मार्क कर दीजिए ताकि आपका वेबसाइट को छोड़ के ना जाए। अगर आप उसी में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप जो है इसको अनमार्क कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी वेबसाइट की ही कोई पोस्ट है या कोई पेज है तो आप इस ऑप्शन को मार्क मत कीजिए। यहाँ पे जो है अगर आप ये चाहते हैं कि गूगल का जो बोट है वो इस लिंक को फॉलो ना करे तो यहाँ पे नो फॉलो कर दीजिए। वैसे ये SEO का टॉपिक है, फिर कभी हम लोग बात करेंगे। ओके तो मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि ये मेरा एक्सटर्नल लिंक है। ओके अब यहाँ पे जो है एक लिंक ऐड हो गया, जैसे इस टेक्स्ट के ऊपर कोई क्लिक करेगा ऑटोमेटिकली जो है वो हमारे YouTube चैनल के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है पिक्चर्स का एंड वीडियोस का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले कुछ डमी टेक्स्ट जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक डमी टेक्स्ट कॉपी कर लिया और यहाँ पे ला करके मैं उसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसका जो फॉन्ट है वो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको नॉर्मल, और उसके बाद इसका जो साइज होगा वो नॉर्मल होगा एंड टाइम्स। ओके एंड यहाँ पे बोल्ड भी ऑन है, मैंने ऑल सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड मैंने हटा दिया।
तो यहां पे फॉर एग्जांपल इस बीच में मुझे जो है इमेज डालना है, तो सिंपल क्या करेंगे, स्पेस बनाया मैंने और यहां पे हमारे पास इमेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया। अब यहां पे हमारे पास जो है अपलोड के ऑप्शन हैं। अगर आपने पहले अपलोड किए हुए हैं, चूंकि मैंने फ्रेश वे में जो है वो ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, तो यहां पे अभी कोई भी इमेज नहीं है। अगर हमने पहले यूज किया होता तो यहां पे जो है वो इमेज होता है। या फिर सिंपल अगर आपको यूआरएल वगैरह डालना चाहते हैं किसी और वेबसाइट से लिंक को कॉपी करके यहां पे, तो यहां पे आप डाल सकते हैं। तो सिंपल अभी हम लोग जो है अपलोड में जाएंगे और यहां से चूज फाइल, और ये है मेरे पास एक फोटोशॉप की फाइल ओपन, और ये मैंने सिलेक्ट किया एड सिलेक्टेड, और ये इमेज जो है हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। तो फोटोशॉप के ऊपर कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल है हमारे चैनल के ऊपर, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप इस इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो काफी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास साइज है, क्या साइज रखना चाहते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, या फिर आप जो है यहाँ पे ओरिजिनल साइज रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे फिलहाल जो है वो लार्ज कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन करना चाहते हैं, राइट अलाइन करना चाहते हैं, या फिर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए। ऐड कैप्शन, अगर आप कुछ कैप्शन ऐड करना चाहते हैं कि ये जो फोटो है वो किस बारे में है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कैप्शन ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है ऑल टेक्स्ट ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब कई बार जो है हमारा जो वेबसाइट है वो स्लो होता है या फिर कनेक्शन स्लो होता है, तो वहाँ पे इमेज लोड नहीं हो पाता है, तो जो भी आपका ऑल टेक्स्ट होगा इमेज की जगह वो शो करेगा, उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी। तो इस तरीके से आप जो है इमेज ऐड कर सकते हैं। वैसे ही आपको कहीं पे जो है अगर वीडियोस ऐड करनी हो तो आप जो है वीडियोस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले अपने YouTube चैनल के ऊपर मैं विजिट करता हूँ। ओके, यहाँ से जो है मैं फोटोशॉप इसके लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है यहाँ पे मुझे जो है वीडियोस डालने हैं, इस वीडियो को एम्बेड करना है, तो सिंपल वीडियो के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे जो है आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से, या फिर आप जो है URL पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपका सेम इसी जीमेल अकाउंट से अगर कोई यूट्यूब चैनल है तो आप वो चीज़ भी यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे URL पेस्ट करके इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और ये हमने यहाँ पे एम्बेड कर दिया। एम्बेड करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप HTML में जा करके जब किसी भी वीडियो के प्लेबैक पेज पे अगर आप जाते हैं, फॉर एग्जांपल ये, तो यहाँ पे जो है आपके पास शेयर का ऑप्शन आता है, और शेयर में यहाँ पे जो है हमारे पास एम्बेड का एक ऑप्शन आता है। तो यहाँ से जो है आप इस कोड को कॉपी कर लीजिए, बेस्ट तरीका ये है, इस कोड को कॉपी कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये है ना, तो यहाँ पे आप जो है HTML में आ जाइए, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। एक्चुअली इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस में बना लेता हूँ, ओके, ये इस बीच में जो है काफ़ी स्पेस है। तो HTML में आइए, और ये है हमारा सेंटर अलाइन। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो है ना इस बीच में गैप बना करके मैंने ये HTML कोड जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया, जो कि मैंने वहाँ से कॉपी किया था। अब ये देखिए यहाँ पे ये हमारा एम्बेड हो गया, तो ये काफ़ी अच्छे से जो है वो एम्बेड हो गया हमारा। ओके, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एम्बेड करने का तरीका। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास इमोजीज एंड एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स भी है, मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स भी है यहाँ पे, तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास जो है सिंबल है, एरोज है, एंड यहाँ पे हमारे पास इमोजीज है, और काफ़ी सारे जो है ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप इमोजीज वगैरह पोस्ट करना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओके, ये मैंने क्लिक किया और ये यहाँ पे ऐड हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो है वो लाइन ब्रेक है, कहीं पे भी अगर आप लाइन ब्रेक डालना चाहते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो आप जो है यहाँ से आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट का एंड लिस्ट का है, किसी भी टेक्स्ट को अगर आप सेंटर में डालना चाहते हैं आप सेंटर में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो लाइन है इसको मुझे जो है वो साइड में डालना है, या फिर राइट साइड से डालना है, या फिर सेंटर में डालना है, वो चीज़ आप डिसाइड कर सकते हैं। इसका अलाइनमेंट जो है वो क्या होगा, इस साइड से या फिर सेंटर में, वो चीज़ आप जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है लिस्ट का, आप जो है लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको आपको जो है लिस्ट में पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, तो ये देखिए ये हो गया, यहाँ पे एक्चुअली खाली स्पेस है तो मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। अब ये 1, 2, 3 हो गया। या फिर अगर आप बुलेट पॉइंट्स में चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है बुलेट पॉइंट का ऑप्शन है, तो आप इस तरीके से जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ही फॉर एग्जांपल इसको जो है आपको कोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे कोटेशन है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है स्पेलिंग चेक वगैरह का ऑप्शन है, आप जो है स्पेलिंग चेक वगैरह कर सकते हैं, और उसके बाद किस लैंग्वेज में वो चीज़ आप देख लीजिए। अगर आप जो है आपकी वेबसाइट अरेबिक में है तो आप यहां से जो है वो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो है सिंपल क्या करना है, अपने ब्लॉग पोस्ट को कंपोज करना है, ये सारे ऑप्शन आपके पास
मिल जाते हैं। तो किसी भी, मैं इसको जो है फिलहाल अनमार्क कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि स्पेलिंग मिस्टेक है, फिलहाल मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा हम इसको सजा लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल। ओके, एंड देन फाइनली जब आपका ये पोस्ट रेडी हो जाए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रीव्यू करके देख लेना है कि हमारा जो ब्लॉग पोस्ट है वो कैसा दिख रहा है। तो जैसे प्रीव्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे। एक बैंड पार्ट ये है कि प्रीव्यू में आप किसी चीज़ के ऊपर क्लिक नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे हमारा इमेज था लेकिन हम इसको क्लिक नहीं कर सकते। तो ये हमारा ब्लॉग पोस्ट हो गया। यहाँ पे जो है हमने इसको कलर किया था और इसके बाद इसको सेंटर अलाइन किया था। यहाँ पे इसको हमने जो है वो कोटेशन में कन्वर्ट किया था। ये हमारी वीडियो है और इसके बाद जो है ये हमारा बुलेट पॉइंट है। तो इस तरीके से जो है आपको पोस्ट क्रिएट करना है। एंड देन नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे जो है कुछ पोस्ट सेटिंग्स है। अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास लेबल्स। लेबल्स यूँ समझ लीजिए कि कैटेगरी, ये जो पोस्ट है वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो फॉर एग्जांपल एंड्रॉइड एंड आईफोन, आप जो है कॉमा दीजिए। अब सेम इसी कैटेगरी को अगर आपको दोबारा यूज करना है तो आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो नीचे आ जाएगा, है ना, दूसरे पोस्ट में जब हम लोग जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है शेड्यूल का। अगर आप जो है इस पोस्ट को फ्यूचर में पोस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं। यहाँ पे परमा लिंक है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप जो है यहाँ पे ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिक, उसके बाद जो है यहाँ पे कस्टम लिंक है। तो यहाँ पे अगर आप जो है कुछ कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं परमा लिंक में, यहाँ पे जो डेट है वो डिफॉल्ट है, ब्लॉगर में आप उसे रिमूव नहीं कर सकते नॉर्मली, लेकिन जो उसके बाद वाला चीज़ है वो SEO के लिए जो है आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। देन हमारे पास लोकेशन है, यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन है। तो हमारा जो मीटा डिस्क्रिप्शन था जो मैंने आपको बताया था कि बिली फॉर यू सर्च करते हैं, तो नीचे जो है स्मॉल डिस्क्रिप्शन आता है, वो चीज़ आपको यहाँ पे डालना है ताकि सर्च इंजन में आपका जो है वो टाइटल शो करेगा और जो भी यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन आप डालते हैं वो चीज़ जो है वो शो करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये आप चाहते हैं कि ये चीज़ हो, इसको आप जो है फुल्ली अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइज करके लिख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आप बता दीजिए कि ये जो पोस्ट है वो किस बारे में। वैसे यहाँ पे हमारे पास दूसरे ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप इस पे कमेंट अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, या फिर और भी दूसरे ऑप्शन है, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनली जब आपका पोस्ट रेडी हो जाए तो आप इसे जो है वो पब्लिश कर दीजिए। ओके, ये पोस्ट हमारा यहाँ पे पब्लिश हो गया, ये पोस्ट हमारा पब्लिश हो गया। यहाँ से हम जो है एडिट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं इस पोस्ट को। ओके, ये है हमारा पोस्ट। अब यहाँ पे देखिए ये सब्सक्राइब बटन है, इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया मैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लैंड हो जाऊँगा। वैसे ये हमारी एम्बेड की हुई वीडियो है, एक्चुअली इसको जो है वो सेंटर अलाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे यहाँ पे हमारे पास ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कैटेगरी है एंड्रॉइड। अब इस कैटेगरी का हम लोग जिस पोस्ट में भी यूज़ करेंगे उस पोस्ट में जो है वो सारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे अगर हम लोग एंड्रॉइड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए ये हमारा जो है पोस्ट है यहाँ पे। ओके, और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि हमने जो है इमेज यूज़ किया था, फर्स्ट इमेज यूज़ किया था अपने ब्लॉग पोस्ट में, वो इमेज जो है एज ए थंबनेल वर्क करता है। तो जब भी आप पोस्ट क्रिएट करें तो जो भी आपका फर्स्ट इमेज होगा, या तो आप कुछ भी लिखने से पहले ही एक इमेज डाल दें, ये ध्यान में रख करके कि वही इमेज आपका जो है वो थंबनेल में यूज होगा, है ना। तो यहाँ पे एक और चीज़ अब आ ही गए हैं तो बता ही देता हूँ, यहाँ पे लेवल में अगर आप जाते हैं तो देखिए ये एंड्रॉइड एंड आईफोन दो लिंक की तरह से ऐड हो गया। तो जो भी नए पोस्ट में आप आएंगे यहाँ पे सिंपल इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए और वो जो है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कि हमारा जो है पोस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप जो है स्टैट्स में जा करके देख सकते हैं कि आपके इस पोस्ट को किस किस ने देखा, किस किस लोकेशन से देखा, आज कितने व्यूज़ हुए, कल कितने व्यूज़ हुए थे, और उसके बाद लास्ट मंथ ऑल टाइम्स। और आप जो है यहाँ पे जियोग्राफिक लोकेशन भी देख सकते हैं, किस ब्राउज़र से देखा गया, है ना, और किस ऑपरेटिंग सिस्टम से देखा गया, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी आपके वेबसाइट से रिलेटेड। तो गाइज ये था कि पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। गाइज पेज क्रिएट करने के लिए लेफ्ट साइड में आपको जो है पेजेस का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर जाइए। यहाँ पे अभी कोई भी पेज नहीं है, यहाँ पे न्यू पेज का आपको एक बटन मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। सेम जैसे हमने जो है पोस्ट क्रिएट किया था वैसे ही हमारे पास यहाँ पे पेज क्रिएट करने के ऑप्शन है। सबसे पहले पेज का टाइटल क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अबाउट अस, और उसके बाद जो है वही सारे ऑप्शन है आपके पास। यहाँ पे आपको जो है वो कंटेंट कंपोज करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपना इमेज एक यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से अपलोड में जाता हूँ और उसके बाद ये इमेज है मेरे पास, फेस सर्कल ओपन। जो भी आपका पहले से ये है, जैसे ये दो फोटो, ये फोटो जो है मैंने पहले अपलोड किया था, तो फ्रॉम दिस ब्लॉग में आकर के आप जो है पहले अपलोड की हुई फोटोज को देख सकते हैं। तो ये है हमारी फोटो,
सबसे पहले इसको जो है वो थोड़ा सा रीसाइज कर लेते हैं, स्मॉल कर लेते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आते हैं। सिंपल आपको जो है कंपोज करना है, आपको पता ही है। वैसे एडवांस लेवल में मैं आपको HTML CSS एडिटिंग में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन जो है वो बना सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से जैसा भी आपको पेज डिज़ाइन करना हो या फिर कुछ भी डिज़ाइन करना हो वो चीज़ आप कैसे करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर मैं नाम डाल देता हूँ तौसिफ खालिद, और मैं यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ लार्ज, एंड हमारे जो फॉन्ट होगा वो ये फॉन्ट होगा, और यहाँ पे इसको मैं हेडिंग बना देता हूँ, एंड देन थोड़ा सा इटैलिक इफेक्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ, और इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। ये हो गया हमारा तौसिफ खालिद, और नीचे आपको जो भी डेटा डालना हो, मतलब सिंपल ये है कि बिल्कुल पोस्ट जैसे हम लोग क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग जो है वो यहाँ पे जो है वो पेज क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। फाइनली यहाँ पे आपके पास जो है सर्च डिस्क्रिप्शन है, आपको पता ही है कि सर्च डिस्क्रिप्शन क्या होता है। मैं यहाँ पे बिल्ली फॉर यू सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये है billyforyou.com, ये है हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन, और वैसे जैसे एंड्रॉइड पेज है तो ये है हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन, ये है हमारा सर्च डिस्क्रिप्शन। तो जो भी आपको सर्च डिस्क्रिप्शन में डालना है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, उसके बाद जो है वैसे ही आप इसे पब्लिश कर दीजिए। तो जैसे हम लोग पोस्ट क्रिएट करते हैं वैसे ही हम लोग जो है वो पेज क्रिएट करेंगे। इसको कैसे फिर हम लोग जो है अपने वेबसाइट के ऊपर यूज़ करेंगे वो भी आगे जो है हम लोग थीम या फिर लेआउट ऑप्शन में देखेंगे कि यहाँ पे अगर हमें अपना पेज शो करना हो तो हम जो है वो कैसे शो करेंगे। चलिए मैं यहाँ पे जो है कुछ पेज एंड पोस्ट जो है वो मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं सेटिंग्स में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास आई थिंक अदर ऑप्शन है, अदर्स में जो है इम्पोर्ट एंड बैकअप है। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट करता हूँ कुछ पोस्ट एंड कुछ पेजेस वगैरह मेरे पास पहले से ही है। ओके, स्टेयर्स वेरीफाई इम्पोर्ट फ्रॉम कंप्यूटर। आपको अगर पोस्ट वगैरह इम्पोर्ट करना हो तो आप यहीं से जो है वो पोस्ट इम्पोर्ट करेंगे। तो ब्लॉग पोस्ट एंड ओपन। अब ये इम्पोर्ट होने में टाइम लग सकता है, जितना ज़्यादा डेटा होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आई थिंक 100 पोस्ट के करीब था। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे पोस्ट जो है वो इम्पोर्ट हो गए हैं। साथ ही अगर आप पेजेस में भी देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ पेज वगैरह जो है वो इम्पोर्ट हो गया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास टर्म्स एंड कंडीशन है। व्यू में आप जाकर के देख सकते हैं, तो ये हमारा टर्म एंड कंडीशन है। और अब अगर हम लोग होम पेज के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास जो है काफ़ी सारे और भी पोस्ट हैं। तो ये हमारा फीचर्ड पोस्ट है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पोस्ट हैं। यहाँ पे मोर पोस्ट में आप जाते हैं आपको जो है और भी पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है इम्पोर्ट वगैरह कर सकते हैं। अब हम लोग जो है किसी चीज़ को भी कस्टमाइज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे लेबल्स में आप देख सकते हैं और भी ज़्यादा लेबल्स जो है वो ऐड हो गए हैं, एंड्रॉयड, आईफोन, न्यूज़, टेक्नोलॉजी। जैसे टेक्नोलॉजी के ऊपर क्लिक करते हैं तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी पोस्ट होंगे वो सभी यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे दो पोस्ट है, वैसे ही यहाँ पे कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं। तो इस तरीके से जो है आप लेबल का यूज़ कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी की तरह से जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आर्काइव है हमारे पास। तो ये था कि किस तरीके से जो है हम लोग पेज क्रिएट करते हैं और डेटा इम्पोर्ट करते हैं। गाइस, थीम से हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो कैसा दिखेगा, कौन से ऑप्शन कहाँ पे होंगे, उसका लेआउट जो है वो कैसा होगा। तो यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये है हमारा पोस्ट वाला सेक्शन, ये है हमारा साइड बार, और उसी के साथ जो है ये हमारा फुटर एरिया। तो यहाँ पे इसका अगर हम लोगों को लुक चेंज करना हो तो वो चीज़ हम लोग जो है वो थीम की हेल्प से कर सकते हैं। तो थीम का ऑप्शन आपको जो है लेफ्ट साइड में मिल जाएगा, ये है थीम। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास जो है प्रीव्यू भी है कि हमारे कंप्यूटर में जो है हमारा थीम जो है वो कैसा दिख रहा है, या फिर हमारे मोबाइल में जो है हमारा थीम वो कैसा दिख रहा है। यहाँ पे नीचे हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे थीम्स के ऑप्शन हैं। तो मैं यहाँ पे अभी जो है कॉन्टेम्पो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास जो है और भी दूसरे फॉर्मेट्स वगैरह मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपको अप्लाई करना है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया और ये देखिए आप देख लीजिए प्रीव्यू करके कि आपका जो वेबसाइट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। उसके बाद सिंपल यहाँ से अप्लाई टू ब्लॉक कर दीजिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके देखते हैं तो इसका जो लेआउट है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया होगा। तो आपको समझ में आ गया कि थीम से हम लोग जो है लेआउट डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ें होंगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कॉन्टेम्पो का जो ब्लैक वर्जन है, मतलब नाइट मोड टाइप वर्जन जो है वो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पे अप्लाई टू ब्लॉक कर दिया। यहाँ पे जो है डायरेक्टली आपका प्रीव्यू भी चेंज हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हैं कि कैसा मोबाइल में दिख रहा है और कैसा हमारे कंप्यूटर में दिख रहा है। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की थीम चाहते हैं तो आप जो है गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आप जो है इन्वेटो मार्केट के ऊपर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉगर टैम्पलेट यहाँ पे हमने सर्च किया हुआ है थीम फॉरेस्ट के ऊपर। यहाँ पे जो है हमारे पास काफ़ी सारे प्रीमियम थीम हैं। अब यहाँ से हम लोग जो है किसी भी थीम को बाय करके अपनी वेबसाइट का लुक जो
है वो प्रीमियम टाइम, किसी को फील नहीं होगा कि आपका जो वेबसाइट है वो ब्लॉगर के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि ब्लॉगर का डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो काफी बोरिंग टाइप होता है, ऐसे इतना भी ज्यादा बोरिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रीव्यू करके देखना है कि आपका जो वेबसाइट है इस थीम को अप्लाई करने के बाद कैसा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ लेआउट्स वगैरह हैं, तो इसमें से जो है आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। एक ही थीम में जो है आपको काफ़ी सारे लेआउट्स मिल जाते हैं, इनमें से किसी को भी जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये है, व्यू में अगर हम लोग जाते हैं तो हमारे जो वेबसाइट है ऐसा दिखेगा, ब्लॉगर के ऊपर भी है ना, ये काफ़ी अच्छी बात है कि ब्लॉगर के ऊपर हमारा वेबसाइट ऐसा दिखेगा। या फिर हमारे पास ये है, ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आप प्रीमियम थीम जो है वो बाय कर सकते हैं, और उसको अगर आप जो है ब्लॉगर में ही अप्लाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा कि आप फ्री में जो है काफ़ी अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, मतलब थीम का कॉस्ट सिर्फ आपको आएगा। तो अगर आप बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप बाय कर सकते हैं। तो ये था कि किस तरीके से हम लोग जो है वो थीम चेंज कर सकते हैं और थीम की वजह से क्या होता है। अब अगर जो भी थीम हमने अप्लाई किया हुआ है उसी अगर हमें कस्टमाइज करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो आपके पास मेनली दो ऑप्शन है यहाँ पे, कस्टमाइज एंड एडिट HTML। अगर आप विजुअली देख करके कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप कस्टमाइज में जाइए, या फिर अगर आप HTML में एक्सपर्ट हैं तो आप जो है HTML में जा सकते हैं। तो समटाइम हमें HTML में भी जाने की जरूरत पड़ती है। फिलहाल हम लोग चलते हैं यहाँ पे कस्टमाइज में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है सबसे पहले यहाँ पे थीम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो मैंने ऑलरेडी जो है वो थीम सेलेक्ट कर लिया है, और नीचे हमारे पास जो है प्रीव्यू भी है कि हमारा जो वेबसाइट है वो अभी कैसा दिख रहा है। तो जो भी हम चेंजेस करेंगे वो लाइव जो है हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन था थीम्स, जो कि हमने पहले ही चूज कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास जो है वो है बैकग्राउंड। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो आप कैसा रखना चाहते हैं, अगर कोई अपनी इमेज आप डालना चाहते हैं तो अपनी इमेज डाल सकते हैं, यहाँ से रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड इमेज का ऑप्शन मिल जाता है और काफ़ी सारे जो है कैटेगरी आपको मिल जाते हैं, तो इनमें से किसी भी इमेज को आप जो है बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये हमारा अप्लाई हो गया। या फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी में देखते हैं, ओके फॉर एग्जांपल मुझे ये इमेज चाहिए, मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कुछ कलर वगैरह है, थीम कलर्स वगैरह है, तो वो चीज़ आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एडवांस्ड का ऑप्शन है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, और यहाँ पे आपको जो है हर चीज़ से रिलेटेड कस्टमाइजेशन, कलर्स वगैरह के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो है पेज टेक्स्ट है, तो पेज टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होगा, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, क्या होगा ये देखिए, हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, आप जो है लाइव चेंजेस भी देख सकते हैं। तो जो भी आपको जो है नॉर्मली डिफॉल्ट पेज का जो ये है वो अगर आपको रखना हो तो आप यहाँ से जो है डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से, अपने ब्लॉग के स्टाइल के हिसाब से जो है आप यहाँ पे फॉन्ट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल बहुत ही सिंपल सा लगा लेते हैं, टाइम्स नाउ न्यू रोमन। अब यहाँ पे जो है उसका कलर क्या होगा, तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है, चूँकि हमारा ब्लैक थीम है तो हम लोग जो है वाइट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो वाइट मैंने अप्लाई कर दिया। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड का ऑप्शन है, ये जो बैकग्राउंड है हमारा, या फिर ये जो बैकग्राउंड कलर है इसको हमें चेंज करना। तो बैकग्राउंड हाइट क्या होगा, यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो ये हमारा इतना हाइट है, मैं इसको जीरो कर देता हूँ या फिर कम कर देता हूँ, एक्चुअली जीरो नहीं कर सकते, यहाँ पे कम कर दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है, बॉडी बैकग्राउंड कलर, ये जो कलर है इसको अगर आपको चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल थोड़ा सा जो है वो लाइट रखना हो आपको, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। पोस्ट बैकग्राउंड कलर, ये जो है इसको भी अगर आपको चेंज करना हो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, या फिर आप जो है बैकग्राउंड का ब्लरनेस जो है वो आप बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जितना ब्लरनेस रखना हो उतना ब्लरनेस जो है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आ जाते हैं। वैसे यहाँ पे हमारे पास लिंक्स है, बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे जैसे ये सब्सक्राइब बटन, मतलब ये कि ये जो है एक लिंक है, तो लिंक का कलर आपको चेंज करना हो आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल रेड। ओके, तो अब जो है जहाँ पे भी लिंक है उसका जो कलर है वो हमारा चेंज हो गया। वैसे ही उसके ऊपर अगर हम लोग माउस ले जाते हैं तो कौन सा कलर आएगा, वो सारी चीज़ें चेंज करनी हो आप जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ब्लॉग का टाइटल है, ये जो टाइटल है इसका फॉन्ट क्या होगा, वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी आपको टाइटल चाहिए वो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे फॉन्ट जो है वो दिए गए हैं, कोई भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये मैं चाहता हूँ। उसके बाद जो है उसका कलर क्या होगा, बैकग्राउंड आइकन कलर क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे ही मतलब ये है कि हर चीज़ का कलर वगैरह जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो सभी कुछ को आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो दूसरा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है विड्थ। ये जो साइड बार है उसका विड्थ क्या होगा, कितना चौड़ा होगा वो, कितना चौड़ा आप रखना चाहते होंगे। फॉर एग्जांपल आप इतना चौड़ा रखना चाहते होंगे, मैं यहाँ पे जो है इसको 350 कर देता हूँ, जो कि स्टैंडर्ड होता है एडवर्टाइजमेंट साइज जो होता है, एडवर्टाइजमेंट वगैरह का चौड़ाई जो होता है वो नॉर्मली 350 या 300 होता है। तो मैं यहाँ पे 350 कर देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है विड्थ का, कॉन्टेंट विड्थ का, ये जो हमारा कॉन्टेंट है इसका विड्थ क्या होगा, है ना,
ये देखिए अगर इसको मैंने मैक्सिमम कर दिया तो हमारा जो है यहाँ पे मेन्यू आइकॉन आ गया, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करके मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमारा फुल पेज में जो है वो कंटेंट होगा, कोई भी साइड बार नहीं दिखेगा। साइड बार हमारा होगा यहाँ पे, जो ये मेन्यू है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो साइड बार आपका दिख जाएगा। तो मैं फिलहाल तो इसे जो है वो कम कर देता हूँ ताकि हमारा जो साइड बार है वो भी दिखे। वैसे ही कॉन्टेंट मार्जिन है वो आप सेट कर सकते हैं, मतलब कितना मार्जिन हो इस तरफ से इस तरफ या फिर सेंटर में आपको रखना हो तो आप जो है इसको पूरा 1000 कर दीजिए, कम कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे एड CSS है। जब हम लोग HTML या CSS एडिटिंग देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि CSS का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कोई CSS कोड जो है वो पेस्ट कर सकते हैं, यू नो, कुछ स्टाइल वगैरह अप्लाई करने के लिए, या फिर किसी चीज़ को शो करना हो, हाइड करना हो, कहीं पे कुछ शैडो डालना हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो CSS के थ्रू करते हैं, जो कि आगे हम लोग देखने वाले हैं। फाइनली जब आपका कस्टमाइजेशन तैयार हो जाए तो आप जो है यहाँ से अप्लाई टू सेव कर दीजिए और ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बैक टू ब्लॉगर, एंड अब अगर हम लोग प्रीव्यू करके देखेंगे तो अब हम जो है वो चेंजेस देख पाएंगे कि किसका फॉन्ट क्या है, लिंक का कलर क्या है। तो आप अपने हिसाब से पूरी तरीके से अपने वेबसाइट को जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास जो है HTML एडिटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। ये चूंकि जो ये जो पूरा थीम है या वेबसाइट है वो HTML के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये सारे स्टाइल्स हैं हमारे पास, और उसके बाद जो है ये हमारे पास HTML कोड मिल जाते हैं नीचे ये सारे HTML। तो किसी को भी कस्टमाइज करना हो तो यहाँ से भी आप जो है वो कस्टमाइज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये था कि कैसे हम लोग थीम अप्लाई करते हैं और उसे कस्टमाइज करते हैं। गाइज हम लोगों ने थीम अप्लाई कर दिया, हम लोगों ने जो है उसे कस्टमाइज भी कर लिया। अब फाइनली उस थीम के लेआउट को हमें जो है वो कस्टमाइज करना है। यहाँ पे हमें जो है मेन्यूज वगैरह डालने हैं। साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल है, यहाँ पे आर्काइव है, लेबल्स है। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट डालना है, उसके बाद जो है मुझे एडवर्टाइजमेंट वगैरह डालना है, नीचे ये जो हमारा फुटर एरिया है यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोग लेआउट के थ्रू ही कर पाएंगे। तो लेआउट के लिए आपको जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑप्शन मिल जाएगा लेआउट का, और ये है हमारे वेबसाइट का लेआउट। अगर आपने दूसरा थीम चूज किया है तो यहाँ पे जो है लेआउट वो टोटली डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आप देखें तो ये है साइड बार टॉप, साइड बार बॉटम, ये है सर्च एरिया, ये है हेडर, उसके बाद जो है ये है हमारा फुटर एरिया। तो ये आप देखें तो ये है हमारा साइड बार टॉप, ये है साइड बार बॉटम जिसमें जो है ये आर्काइव एंड लेबल्स, अब्यूज रिपोर्ट वगैरह है, ये है हमारा फुटर एरिया जिसमें जो है पावर्ड बाय ब्लॉगर है, इसको भी एक्चुअली हमें रिमूव करना है। और यहाँ पे कोई मेन्यू वगैरह नहीं है हेडर वगैरह में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो लेआउट के थ्रू ही करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास फेविकॉन का। फेविकॉन क्या होता है, ये जो आइकॉन आप देख रहे हैं ना बिलीव फॉर यू डेमो की पहले, वो अभी जो है बाय डिफॉल्ट ब्लॉगर का आइकॉन आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से सिंपल आप एडिट में जाइए, और एडिट में जाने के बाद जो है आपको अपना इमेज ब्राउज करना है। तो फॉर एग्जांपल चूज फाइल, मैं यहाँ पे जो है ये लोगो चूज कर लेता हूँ, और उसके बाद ओपन। आपको ये ध्यान रखना है कि इमेज जो है वो स्क्वायर में होनी चाहिए। सेव, ओके, ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ से फाइनली जो है आप सेव अरेंजमेंट कर दीजिए, और उसके बाद जब आप जो है अब इस वेबसाइट को लोड करेंगे, रीलोड करेंगे, तो ये जो है हमारा फेविकॉन चेंज हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि इतनी जल्दी चेंज हो जाए, समटाइम ये वक्त लेता है क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो थोड़ी सी बदमाशी करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो फेविकॉन है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है कस्टमाइजेशन के सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप देखें तो साइड बार टॉप है, यहाँ पे ऐड ए गैजेट का एक ऑप्शन आ रहा है, वैसे यहाँ पे सर्च है, सर्च टॉप। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ अगर आप नोटिस करें तो ये जो हमारा ये दो जो चीज़ है, ये दो जो गैजेट है, ये हमारा मूवेबल है, इसे हम लोग कहीं पे भी ड्रैग करके डाल सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो फिक्स हैं, जैसे कि ये अबाउट मी है, इसे हम लोग जो है वो डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है एक पेन का आइकॉन मिल जाता है, इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो एडिट के लिए आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप इसकी विजिबिलिटी, आप अगर नहीं शो करना चाहते हैं तो इसकी विजिबिलिटी यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, और इसको जो है अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ गैजेट आपको ऐड करना हो तो आप जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो है ब्लॉगर आर्काइव है, उसके बाद जो है लेबल्स है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्लॉगर आर्काइव को नीचे कर देता हूँ, लेबल्स को ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे रिपोर्ट एब्यूज जो था उसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। ओके, सेव कर दिया मैंने, और यहाँ से सेव अरेंजमेंट। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, पहले आर्काइव है, उसके बाद लेबल्स है, उसके बाद जो है हमारा रिपोर्ट अब्यूज है। तो यहाँ पे मैंने इसको डिसेबल कर दिया और इसको ऊपर नीचे कर दिया,
ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है पहले लेबल आ गया और उसके बाद जो है हमारा अर्काइव है। तो इस तरीके से आप जो है चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पेजेस का जो कि अभी इनविजिबल है। यहाँ पे जो है कोई भी टॉप में पेज जो है वो नहीं शो कर रहा है। तो सिंपल क्या करेंगे, पेन के आइकॉन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड करने के लिए आ जाएगा शो पेजेस, हमें पेज शो करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है होम पेज जो है वो सिलेक्टेड है। यहाँ पे कौन कौन से पेज को आप शो करना चाहते हैं, तो फॉर एग्जांपल ओके अबाउट अस का मेरे पास जो है वो दो पेज है, मैंने एक सिलेक्ट कर लिया। अगर कुछ एक्सटर्नल लिंक आप डालना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल किसी कैटेगरी की लिंक जो है वो आप डालना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, फॉर एग्जांपल ये है हमारा टेक्नोलॉजी। ओके, तो टेक्नोलॉजी को आप जो है मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल क्या करेंगे, इसकी लिंक को यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे हमारा ये था पेज। और यहाँ पे आने के बाद एक्सटर्नल लिंक हम जो है पेज का टाइटल डाल देंगे टेक्नोलॉजी, एंड देन यहाँ पे जो है हम URL पेस्ट कर देंगे। ओके, सेव लिंक। अब यहाँ पे हमारा जो है तीन पेज जो है वो ऐड हो गया, किसी के बाद भी किसी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे होम, टेक्नोलॉजी एंड अबाउट अस, सेव कर दिया मैंने इसे, सेव अरेंजमेंट। और उसके बाद अब यहाँ पे हम लोग रीलोड करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो पेज है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए होम, टेक्नोलॉजी एंड अबाउट अस। आप इसके फॉन्ट को भी जो है पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, कहाँ जा करके, थीम कस्टमाइजेशन में जाकर के जो है इसके फॉन्ट को, स्टाइल को, जो भी आपको चेंजेस करने हो वो जो है आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमने ऐड कर दिया। वैसे ही जो है मुझे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन वाला जो ये होता है वो हमें ऑन करना है, मैंने सेव कर दिया। ओके, अरेंजमेंट, और उसके बाद जो है यहाँ पे ये हमारा सब्सक्राइब के लिए आ गया। इसके अंदर जो है कोई भी ईमेल डाल करके नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब कर सकता है। तो इस तरीके से आप जो है जो भी ऑप्शन है हमारे पास वो कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ऐड ए गैजेट का एक ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है काफ़ी सारे गैजेट जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि एडसेंस है। अगर आपको एड्स लगाने हो, फिलहाल तो यहाँ पे एडसेंस इनेबल नहीं है तो इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ हम नहीं करेंगे, लेकिन नीचे जो है हमारे पास दूसरे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है हमारे पास HTML एंड JavaScript, जिसका हम लोग कंप्लीट यूज़ करने वाले हैं HTML एंड CSS एडिटिंग वाले सेक्शन में। तो उसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। अब यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, इमेजेस डालने हो आप इमेजेस डाल सकते हैं, पेज की लिस्ट डालनी हो आप डाल सकते हैं, तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे जो है यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट जो है वो शो करना है साइड बार में, तो मैंने क्या किया, ये हमारा पॉपुलर पोस्ट यहाँ पे ऐड के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो कस्टमाइजेशन के लिए आ गया, शो पॉपुलर पोस्ट, ऑब्वियस सी बात है मुझे शो करना है। और यहाँ पे टाइटल क्या होगा, तो मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ पॉपुलर पोस्ट, इस गैजेट का टाइटल क्या होगा। उसके बाद जो है मोस्ट व्यूड, मतलब ऑल टाइम पॉपुलर या फिर लास्ट 30 डे में जो पॉपुलर है वो, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको थंबनेल शो करना है कि नहीं करना है, स्निपेट शो करना है कि नहीं करना है, मतलब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो होता है। उसके बाद कितना पोस्ट आपको शो करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 5 सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेव। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलर पोस्ट का जो एक गैजेट है वो यहाँ पे ऐड हो गया, सेव अरेंजमेंट। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम लोग आकर के इसे रीलोड करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें तो पॉपुलर पोस्ट का जो है एक ऑप्शन जो है वो ऐड हो गया है। तो यहाँ से जो है हम लोग पॉपुलर पोस्ट देख पाएंगे कि हमारे वेबसाइट के ऊपर जो है वो अभी क्या पॉपुलर चल रहा है, मतलब हमारे यूजर्स जो है वो देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो है ऐड ए गैजेट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इससे जो है आप कहीं पे भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन है। वरना ऑल टाइम फेवरेट आपके पास जो है HTML एंड JavaScript का ऑप्शन मिल जाता है। अब ये पॉपुलर पोस्ट है, इसको आप कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें जैसे हेडर सेक्शन है या फिर सब्सक्रिप्शन वाला सेक्शन है, पेज लिस्ट वाला सेक्शन है, इन सब में हमारे पास ऐड ए गैजेट का ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग करके वहाँ पे डाल सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है इस पॉपुलर पोस्ट को कहाँ पे शो करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे इसे जो है फुटर एरिया में शो करना है, फुटर एरिया, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कहीं पे भी डाल सकते हैं जहां पे हो या ना हो। अब मैंने इसको सेव कर दिया, और उसके बाद अगर मैं यहां पे इसको रीलोड करता हूं तो आप फुटर एरिया में यहां पे देख सकते हैं पॉपुलर पोस्ट हमारे पास जो है ये ऐड हो गया यहां पे, है ना। और उसके बाद ये है पावर्ड बाय ब्लॉगर, जिसको हम लोग जो है अभी थोड़ी देर में रिमूव करने वाले हैं। तो इसको जो है आप कहीं पे भी ड्रैग करके डाल सकते हैं, जो भी ऑप्शन आपके पास है उन सभी को यू नो कहीं पे भी जो है आप अपने हिसाब से HTML कोड वगैरह है वो आप जो है वो डाल सकते हैं। HTML एडिटिंग वाला जो सेक्शन है वो आप जरूर देखें। तो इस तरीके से आप जो है अपने वेबसाइट के लेआउट को कस्टमाइज कर सकते हैं और गैजेट वगैरह डाल सकते हैं, एंड फाइनली आपको जो है वो सेव अरेंजमेंट कर देना है।
गाइज जब भी हम लोग ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाते हैं तो नीचे फुटर एरिया में पावर्ड बाय ब्लॉगर लिखा होता है, जो कि बहुत ही अनप्रोफेशनल सा लगता है। हर किसी को पता चल जाएगा कि ओके इस बंदे ने जो है वो ब्लॉगर के ऊपर वेबसाइट बनाया, तो मुझे जो है इसे रिमूव करना है। फ्यूचर में हम लोग देखेंगे एचटीएमएल एडिटिंग में कि कैसे यहाँ पे जो है हम अपना फुटर ऐड कर सकते हैं, लोगो वगैरह अपना डालना हो, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की लिंक डालनी हो, तो वो सारी चीजें हम लोग कैसे डालेंगे। फिलहाल हमें पावर्ड बाय ब्लॉगर को रिमूव करना है, तो उसकी बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे तरीके हैं एक्चुअली, हर थीम के हिसाब से जो है अलग अलग होता है। तो डिस्क्रिप्शन की लिंक को फॉलो कीजिए और मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए, यहाँ पे आपको इंग्लिश में एक आर्टिकल मिल जाएगा रिमूव पावर्ड बाय ब्लॉगर इंग्लिश में, मतलब SMS लैंग्वेज में। यहाँ पे मैंने जो है वो तीन मेथड को मेंशन किया है काफी डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके। तो अगर आपका फर्स्ट मेथड काम नहीं करता है तो सेकंड आप ट्राई कर सकते हैं, सेकंड काम नहीं करता है तो थर्ड ट्राई कर सकते हैं, तो कोई ना कोई जो है वो आपका काम कर ही जाएगा। तो यहाँ पे जो है एक मेथड है हमारे पास ये CSS के थ्रू जो है वो ये करने का। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ कॉपी, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट में हमें जो है इसको रिमूव करने के लिए थीम में जाना है, थीम। और यहाँ पे हमारे पास कस्टमाइजेशन के दो ऑप्शन है, आप एडिट HTML में जा सकते हैं। एक्चुअली कुछ जो प्रोसेस है वो एडिट HTML में जा करके आप जो है वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है यहाँ पे CSS का यूज़ करेंगे। तो कस्टमाइज, अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे एडवांस्ड में, एडवांस्ड में सबसे नीचे जो है ऐड CSS का ऑप्शन मिल जाएगा। अब सिंपल जो CSS कोड हमने कॉपी किया था वो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये सिंपल छोटा सा कोड है, आप जो है अगर मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन के ऊपर शो कर रहे हैं, आप यहाँ से जो है वो टाइप कर सकते हैं देख के। तो ये कोड मैंने टाइप कर दिया, उसके बाद अप्लाई टू ब्लॉग। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्लॉग के ऊपर, पहले देख लीजिए ये है पावर्ड बाय ब्लॉगर, लेकिन इसका खात्मा जो है वो नज़दीक आ गया। अब यहाँ पे पावर्ड बाय ब्लॉगर नहीं शो कर रहा है, तो आपके पास जो है वो दो तीन मेथड है, हम कोई भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वर्क कर जाता है, जो कि सबसे आसान है CSS के थ्रू, तो आप जो है ये मेथड ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है पावर्ड बाय ब्लॉगर को रिमूव कर सकते हैं। आप अगर लेआउट में जाते हैं तो ये जो फुटर एरिया है ये है हमारा एट्रीब्यूशन, यहाँ पे एट्रीब्यूशन गैजेट है, इसके ऊपर अगर आप एडिट में जाते हैं तो ये है हमारा एट्रीब्यूशन, जिसको हम लोग जो है नॉर्मली एडिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप HTML में जाकर के थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं तो इसको भी एडिट कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि कैसे हम लोग जो है पावर्ड बाय ब्लॉगर को रिमूव करेंगे। गाइज आप सभी को पता है कि ब्लॉगर जो है वो बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे जो है आपको किसी भी तरह के चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। तो इसका एक नुकसान ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है कस्टमाइजेशन के बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते हैं, लेकिन ब्लॉगर में आपको जो है HTML कोड पेस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, HTML कोड ऐड करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो हमारे पास जो है फिर काफ़ी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि हम जो भी चाहें वो जो है वो ऐड कर सकते हैं HTML CSS के थ्रू। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जो है आपको एक सेपरेट मेन्यू डालना हो, यहाँ पे जो है आपको कैटेगरी वगैरह जो है काफ़ी स्टाइलिश वे में शो करना हो, या फिर आपको जो है फुटर एरिया में अपना जो है वो लोगो डालना हो, लिंक्स वगैरह डालने हो, पेजेस वगैरह के लिंक डालने हो, या फिर जो है फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब का जो है वो आइकॉन्स वगैरह डालना हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आप HTML के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं अपने एडमिन पैनल में, और जो भी HTML हमें ऐड करें हम कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं, पोस्ट में ऐड कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था कि HTML का सेक्शन आपको मिल जाता है, हम लोग जो है पेजेस में HTML ऐड कर सकते हैं, या फिर हमें जो है वो गैजेट ऐड करने हो, जैसे अगर साइड बार में हमें कुछ डालना है या फिर फुटर एरिया में कुछ डालना है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग गैजेट के थ्रू डालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएंगे लेफ्ट साइड में, आपके पास लेआउट का ऑप्शन है लेआउट में, और उसके बाद जो है ये है हमारे वेबसाइट का लेआउट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड ए गैजेट में जाएंगे, ऐड ए गैजेट, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास HTML एंड जावा स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन है, इसको सिंपल हम लोग ऐड करेंगे, ऐड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको जो है टाइटल डालना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे आपको मेन HTML कोड जो है वो डालना है या फिर पेस्ट करना है। तो कहीं से भी आपको कोई सोर्स कोड मिलता है आप सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ फुटर। ओके, ये हमारा फुटर है, मैंने इसको क्या किया, अभी मैंने यहाँ पे कुछ भी कंटेंट नहीं डाला है, और ये हमारा जो है फुटर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस फुटर को ड्रैग करके फुटर एरिया में, ये जो नीचे वाला एरिया है इसमें ले जाना है, कहीं पे भी आप इसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक एक करके स्लाइड करता हुआ मैं इसको ले जाऊँगा नीचे। ओके ठीक है, ये हमारा फुटर, और इसको मैंने फुटर एरिया में ला करके रख दिया। ये तो हमारा इनविजिबल हो चुका है, ये है हमारा फुटर। यहाँ से हम लोग एडिट में जा करके, और जो भी हमें फुटर एरिया में
कोड पेस्ट करना हो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो हमने तो HTML गैजेट डाल दिया, अब हम लोग HTML फाइल क्रिएट कैसे करेंगे? आपको जो है वो HTML आता नहीं, आपको CSS आता नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं htmlonline.com के ऊपर और यहाँ से आप जो है HTML को एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो है HTML को भी एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे हमारे पास CSS का भी ऑप्शन है और यहाँ पे हमारे पास JavaScript का भी ऑप्शन है। तो हम लोग मेनली आज जो है वो HTML एंड CSS दिखेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं हूँ HTML में, यहाँ पे हमारे पास जो है दो स्पेस है। सबसे पहला स्पेस जो है ये वाला है, ये है हमारा विजुअल एडिटर और जो भी हम यहाँ पे विजुअली टाइप करेंगे उसका सोर्स कोड जो है HTML कोड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा या फिर जो भी HTML कोड यहाँ पे हम इस एरिया में पेस्ट करेंगे वो हमारा यहाँ पे विजुअली जो है वो शो करने लगेगा। तो चलिए जल्दी से जो है एक HTML कोड डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ फुटर एरिया में यहाँ पे हमारा जो है वो लोगो शो करें और इसके बाद जो है नीचे सोशल आइकॉन और मेन्यूज वगैरह शो करें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारे पास एडिटर है, सिंपल वर्ड की तरह से है या फिर पोस्ट में भी हमने देखा था कि कैसे इन सारी चीज़ों का हम लोग यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है वो इमेज ऐड कर देता हूँ, इंसर्ट एंड एडिट इमेज। अब यहाँ पे आपको जो है इमेज का URL डालना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आप अपलोड नहीं कर सकते, आपको जो है URL डालना पड़ेगा। तो आप जो है गूगल फोटोज वगैरह में URL डाल सकते हैं या फिर आप किसी दूसरी जगह पे जो है इमेज को डाल करके और वहाँ से उसका जो URL है वो कॉपी कर सकते हैं। तो मैं मेरा जो है ये लोगो है मेरे वेबसाइट का, यहाँ से मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इस HTML एडिटर में आता हूँ, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये हमारा ऐड हो गया। अब यहाँ पे है डायमेंशन, आप क्या रखना चाहते हैं आप मैनुअली भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एडवांस्ड ऑप्शन है, कुछ बॉर्डर वगैरह डालना हो, स्टाइल्स वगैरह डालना हो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फिलहाल हम इसको ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे ये लोगो जो है हमारा ऐड हो गया, इसको हम लोग यहाँ से अलाइन कर लेते हैं सेंटर में और इसको थोड़ा सा जो है हम यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ओके, ये हमारा ये छोटा हो गया। तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारा इमेज आ गया और उसका जो HTML कोड है वो यहाँ पे आ गया। तो कहीं पे भी अब हमें अगर इस इमेज को शो करना हो हम सिंपल क्या करेंगे, इस HTML को कोड को कॉपी करेंगे, उसे पेस्ट कर देंगे HTML सेक्शन में और ये हमारा लोगो जो है वो शो करने लगेगा। ओके, तो ये हमारा डिज़ाइन हो गया, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसके ऊपर भी अगर आप कोई लिंक डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे लिंक है URL। तो फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ अपने वेबसाइट का URL, ओके billyforyou.in और उसके बाद जो है टारगेट है यहाँ पे न्यू विंडो में ओपन करना है। ओके, मैं यहाँ पे न्यू विंडो, यहाँ पे हमारा जो है सोर्स वो तैयार हो रहा है, HTML जो है वो तैयार हो रहा है। अब नीचे जो है हमें यहाँ पे कुछ मेन्यूज डालने हैं, है ना। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, यहाँ पे टेबल का यूज़ करूँगा और टेबल में मैं फॉर एग्जांपल मुझे तीन मेन्यू डालने हैं, मैंने टेबल ऐड कर दिया। आप सबसे पहले यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे इसका जो अलाइनमेंट है वो मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ। ओके, अलाइनमेंट सेंटर हो गया और मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करके बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये हमारा जो है ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे मैं डाल देता हूँ तीन मेन्यू, होम एंड अबाउट अस एंड कॉन्टैक्ट अस। ओके, मैं इसको सेंटर अलाइन कर लेता हूँ, सिंपल है, जैसे आप जो है एडिटिंग करते हैं यहाँ पे सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और मैं फिर से जाता हूँ प्रॉपर्टीज़ में और मैं इसका जो बॉर्डर है इसको मैं 1 कर देता हूँ ताकि इसका जो बॉर्डर है वो विजिबल हो। ओके, ये मैंने कर दिया, अब ये इस तरीके से जो है हमारा शो करेगा। आप खुद से स्टाइल जैसा भी क्रिएट करना चाहे वैसा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है होम, इसके ऊपर हमें लिंक डालना है, होम टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिंक में गए और यहाँ पे जो है लिंक आपको सिंपल पेस्ट कर देना है। वैसे ही न्यू विंडो में ओपन करना चाहते हैं उस लिंक को तो यहाँ पे कर दीजिए, मैं यहाँ पे सिंपल हैश डाल देता हूँ, ब्लैंक URL। ओके, हैश सबको जो है आपको मैनुअली करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको भी मैं हैश कर देता हूँ। ओके, अब ये देखिए यहाँ पे जो सोर्स कोड है वो हमारा रेडी हो गया। तो अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे फुटर एरिया में अगर आप देखें तो अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, यहाँ पे आपके पास जो है कॉपी का भी ऑप्शन है, सिंपल आप राइट क्लिक करके भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करके और इसके बाद जो है हम यहाँ पे फुटर एरिया में HTML हमने गैजेट ऐड किया था इसमें जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा HTML कोड है मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ फुटर को, मुझे टाइटल नहीं शो करना, सेव कर दिया। ओके, ये HTML जो है हमारा
फुटर एरिया में सेव हो गया। अब यहाँ से सेव अरेंजमेंट करना ना भूलें। और अब यहाँ पे अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है, हमारा कोई लोगो वोगो नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पर रीलोड करेंगे अगर इसको, तो अब जो है आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा लोगो है और यहाँ पे हमारे पास जो है वो तीन मेन्यू है। तो HTML की हेल्प से आप जैसा चाहें, जो भी चाहें आप डिज़ाइन करके जो है इसमें कुछ स्टाइल वगैरह डालना हो तो वो भी चीज़ हम लोग देखेंगे कि CSS की हेल्प से हम लोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जो है आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखिए एक न्यू URL में मेरा जो वेबसाइट का लिंक था वो जो है वो ओपन हो गया। तो इस तरीके से आप जो है CSS के थ्रू एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ आपको डालना हो वो चीज़ आप जो है वो डाल सकते हैं। HTML में आप जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं, उसके बाद CSS में जो है उसको आप क्या कर सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं CSS के थ्रू। तो वो भी चीज़ हम लोग जो है वो आगे देखेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको जो है आइकॉन्स वगैरह चाहिए हो तो उसके लिए जो है आप सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वेबसाइट है फ्लैट आइकॉन, उसके ऊपर विजिट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक का आइकॉन आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फेसबुक, और यहाँ पे हमारे पास जो काफ़ी सारे फेसबुक के जो आइकॉन है वो आ गए। तो जो भी आपको इमेज चाहिए, जो भी आइकॉन आपको चाहिए, आप उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, कॉपी इमेज एड्रेस, और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर से आप इमेज में जाइए और यहाँ पे सोर्स URL में आप जो है उसको पेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे डायमेंशन है तो फॉर एग्जाम्पल आप जो है मैं यहाँ पे 25 रखना चाहता हूँ इसका जो डायमेंशन है, ओके। और ये हमारा जो ये लोगो है यहाँ पे ये ऐड हो गया। मैं इसको जो है थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ओके ये हमारा ऊपर आ गया। अब यहाँ पे जो है आप मल्टीपल आइकॉन्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा स्पेस दे करके मैं यहाँ पे यूट्यूब एंड दूसरी चीज़ें जो है मैं उसका भी जो है आइकॉन वो डाल देता हूँ। कि ये है यूट्यूब, ओके। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ ये हो रही है कि यहाँ पे आइकॉन जो है वो नीचे आ जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेबल ऐड करते हैं, ओके इनविजिबल टेबल। फॉर एग्जांपल ये मैंने ऐड कर दिया। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं और यहाँ पे पहले सबसे पहले इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, ओके सेंटर अलाइन हमने कर दिया। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अभी क्या करते हैं, इसको उठा करके इसके अंदर डाल देते हैं, ओके इसके अंदर डाल दिया मैंने। और उसके बाद जो है यहाँ पे फिर वैसे ही जो है इमेज हम लोग डाल देते हैं। तो ओके यहाँ पे ये हमारा ऐड हो गया। इसका जो साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, यहाँ पे 25, ओके 25। और उसके बाद जो है ट्विटर का भी जो है वो मैं ये ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके ये है हमारे पास ये एक इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस। और इसके बाद यहाँ आते हैं, यहाँ पे भी जो है इमेज ऐड कर देते हैं, यहाँ पे 25 इसका जो डायमेंशन है, ओके और ये ऐड हो गया। इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं एंड ठीक है, ये हमारा सेंटर अलाइन हो गया। और इसको थोड़ा सा जो है वो हम लोग पास ले आते हैं, ठीक है ये हमारा पास हो गया। अब सिंपल जो है इसके ऊपर जो है हम लोग URL ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे URL का ऑप्शन आ जाता है, आप URL जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे गैप जो है मैं उसको हटा देता हूँ और सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से इस कोड को हम लोग यहाँ से कॉपी करेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पे HTML में आकर के इसको हम लोग पेस्ट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है लोगो वगैरह भी आ गया। तो आप इसके ऊपर जितना टाइम देंगे यहाँ पे एडिटिंग करने के लिए उतना ज़्यादा जो है आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अगर आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। यहाँ पे आपको जो है एक पोस्ट मिल जाएगा, बेस्ट HTML कोड फॉर ब्लॉगर ब्लॉग। तो यहाँ पे काफ़ी सारे कोड जो है वो मैंने दिए हुए, जैसे कि ये है फुटर एरिया का, ये वाला ये है। अगर इस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए हो तो सिंपल क्या कर सकते हैं, स्कोर को कॉपी करके मॉडिफाई करके और पेस्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का डिज़ाइन आपको चाहिए या फिर जो है आप मेन्यूज़ वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, मेन्यू वगैरह का स्टाइल कुछ इस तरह का स्टाइल्स वगैरह चाहिए तो वो सारी कोड्स जो है वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। सिंपल आपको क्या करना है, बस मॉडिफाई करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मैं इस कोड को कॉपी कर लेता हूँ या फिर ओके इस कोड को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से,
यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद जो है आपको HTML एडिटर में जाना है और यहाँ से मैं इसको ऑल सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ और सोर्स एरिया में, चूंकि हमने HTML कोड कॉपी किया है तो मैं सोर्स एरिया में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। अब आपको जो है इस इमेज को रिप्लेस करना है, सिंपल इस इमेज को सिलेक्ट कीजिए, इमेज के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे सोर्स URL जो है उसको चेंज कर दीजिए। वैसे URL वगैरह चेंज करना है, सिंपल इमेज को सिलेक्ट कीजिए, URL के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से जो है URL डाल दीजिए। जो भी टेक्स्ट आपको चेंजेस करने हों वो टेक्स्ट जो है आप चेंज कीजिए और उसके बाद जो है कस्टमाइज कीजिए। सिंपल यहाँ से जो है सोर्स कोड को कॉपी कीजिए और आपको पता ही है कि फॉर एग्जांपल ये चीज़ आप जो है यहाँ पे डालना चाहते हैं इस सेक्शन में, तो आप जो है यहाँ पे भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये HTML मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया मैंने, सेव अरेंजमेंट। अब यहाँ पे इसको हम लोग रीलोड कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए ये वाला सेक्शन जो है वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो जहाँ पे भी आपको जो स्टाइल बना करके ऐड करना हो, सिंपल HTML गैज जो है वो ऐड करना है और यहाँ पे कस्टमाइज करके HTML आपको पेस्ट कर देना है। तो ये था सिंपल HTML। यहाँ पे अगर कुछ डिज़ाइन अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक CSS कोड भी है। तो अब चलिए देखते हैं कि CSS कोड का हम लोग जो है वो कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं टाइप कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल डमी टेक्स्ट। ओके, डमी टेक्स्ट मैंने टाइप कर दिया। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ और इसका जो फॉर्मेट है वो मैं काफ़ी बड़ा कर लेता हूँ। ओके, ये फॉर्मेट मैंने इतना बड़ा जो है वो कर लिया। ये हमारे पास जो है एक HTML कोड आ गया विथ स्टाइल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं CSS में। CSS कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे जो है इस टेक्स्ट में थोड़ा सा शैडो इफेक्ट अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमारे पास बॉक्स शैडो है और काफ़ी सारे स्टाइल फॉन्ट्स वगैरह आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये है मेरे पास शैडो। अब देख लीजिए यहाँ पे कुछ शैडो वगैरह हैं, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है कि कितना शैडो का जो है वो ये कि क्या होगा, कितना राइट होगा, कितना लेफ्ट होगा, उसके बाद जो है यहाँ पे कितना ज़्यादा होगा, है ना, और उसके साथ ही यहाँ पे ब्लरनेस है, कितना ज़्यादा ब्लरनेस होगा, ओपेसिटी है, कलर क्या होगा, मतलब यहाँ पे जो हमारा ये है शैडो का कलर है वो क्या होगा, वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मेन्यू में देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट है, टेक्स्ट शैडो है, अगर आप किसी टेक्स्ट के ऊपर शैडो अप्लाई करना चाहते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ये चाहिए, है ना, ये वाला इफेक्ट चाहिए, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे हम लोग जब आते हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है यूज़ दिस कोड। ओके, यूज़ दिस कोड और ये इस तरीके से हमारा अप्लाई हो गया। अब ये हमारा जो है HTML है, ये हमारा प्रीव्यू है, ये हमारा HTML है और ये हमारा जो है CSS कोड है HTML का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी फाइनली इफेक्ट हमें अप्लाई करना हो, अप्लाई करने के बाद यूज दिस कोड हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास डेमो टेक्स्ट है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं HTML में, ये हमने टेक्स्ट लिखा था, यहाँ से इसके HTML कोड को हम लोग क्या करते हैं कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो है यहाँ पे आते हैं और इस HTML सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पे लेकिन कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ये इंडिकेट नहीं किया गया है कि ये जो CSS कोड है वो किसके ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो डेमो टेक्स्ट एक जो है समझ लीजिए कि ये आईडी है, हैश डेमो टेक्स्ट ये आईडी है। तो सबसे पहले हमें जो है इस HTML में आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्टाइल से पहले आप आइए और यहाँ पे आप सिंपल क्या कीजिए, आईडी इक्वल और यहाँ पे जो भी कोड है वो आप डाल दीजिए। आप खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर्मेट आप देख लीजिए, यहाँ पे डेमो टेक्स्ट है, डेमो टेक्स्ट और ओके, ये हमारा अप्लाई हो गया। तो देखिए आईडी हमने यहाँ पे बता दिया कि ये जो है इस टेक्स्ट की जो आईडी है, ये जो HTML है इसकी आईडी ये है डेमो टेक्स्ट और ये हमारा हो गया यहाँ पे जो CSS कोड है वो किसके ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पे डेमो टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करना है और ये हमारा जो है डेमो टेक्स्ट अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे चाहिए, मैंने आईडी डाल दिया टेक्स्ट और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ टेक्स्ट, आप जो है कैपिटल स्मॉल का भी ख्याल रखिए और यहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो ये देखिए डमी टेक्स्ट जो है वो अप्लाई हो गया यहाँ पे। अब सिंपल हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास HTML कोड है और ये हमारे पास CSS कोड है। तो सिंपल क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इफेक्ट मुझे जो है वो अप्लाई करना है यहाँ पे, काफ़ी एक्चुअली और भी इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये HTML जो है और ये CSS कोड जो है वो हमें यूज़ करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, HTML कोड मैंने यहाँ से कॉपी किया या फिर आप यहाँ पे भी स्टाइल जो भी एडिटिंग करनी वो कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे जो है मैं गैजेट ऐड कर देता हूँ एक HTML का और ये है हमारा JavaScript। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसमें जो है आईडी वो है टेक्स्ट, सेव कर दिया मैंने, सेव अरेंजमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रीलोड करता हूँ
तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो है सिंपल डमी टेक्स्ट जो है वो शो कर रहा है, किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं है, किसी भी तरह का स्टाइल नहीं है, किसी भी तरह का डेकोरेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने CSS कोड जो है वो अप्लाई नहीं किया है। तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग अब जाएंगे थीम में, थीम में कस्टमाइज, और मैंने आपको बताया था कि एड CSS का ऑप्शन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, एड CSS। और यहां पे आकर के सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा CSS कोड था ये मैंने यहां से कॉपी किया, और उसके बाद जो है मैं यहां पे इसको पेस्ट कर देता हूं। ओके, मैंने पेस्ट कर दिया बाद में लास्ट में नीचे एंड अप्लाई। ये जो है ये हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद यहाँ पे अभी जो है हमारा बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन हमने जो है CSS कोड अप्लाई कर दिया है। तो ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे अप्लाई हो गया, जो कि इसके हिसाब से अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि CSS कोड जो है वो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो वैसे ही मैं इसको डिलीट कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं बॉक्स शैडो में। ठीक है, बॉक्स शैडो में ये शैडो हमारा यही रहेगा। मैं यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ कि ये कलर रहेगा, यूज दिस कोड। और उसके बाद मैं सिंपल क्या करता हूँ, अभी इस कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद जो है मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो कोड है इसका जो आईडी है मैं उसको कर देता हूँ टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला इफेक्ट अप्लाई है। मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से, सॉरी मैं पहले इसको जो है कॉपी करके यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको रीलोड करता हूँ, ये नॉर्मल टेक्स्ट हो जाएगा। नॉर्मल डमी टेक्स्ट मैंने क्या किया यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ये इफेक्ट्स हैं, किसके ऊपर अप्लाई करना है, टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई। एंड देन यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ, तो आप देखें ये इस तरह का इफेक्ट जो है वो इसके ऊपर अप्लाई हो गया। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके से जो है वो हमें यहाँ पे जो है CSS कोड क्रिएट करना है और अप्लाई करना है। सिंपल आईडी का जो है वो फंडा होता है। यहाँ पे हमारे पास जो है कुछ और भी कोड्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला स्टाइल आप लगाना चाहते हैं तो सिंपल क्या कीजिए, कॉपी कीजिए इसको, और इसके बाद जो है HTML एडिटर में आइए, यहाँ पे जो है पेस्ट कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जो भी स्टाइल वगैरह यहाँ पे डाला हुआ, जैसे आईडी फुटर 4, ये आईडी इसका जो आईडी है वो फुटर 4 है, सभी स्टाइल के आगे जो है आईडी फुटर 4 लगाया हुआ, क्योंकि इसमें CSS कोड भी है। अब जो भी एडिटिंग करना है आप कर लीजिए, और उसके बाद फाइनली जो है वो HTML में आइए, यहाँ पे लेआउट्स में, और फॉर एग्जांपल फुटर वाले सेक्शन में जो है मुझे इस कोड को ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको एडिट करके सेव कर दिया मैंने इसको। और यहाँ से जो है मैं इसको रीलोड करके प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कैसा हमारा दिख रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल प्लेन टाइप दिख रहा है। इसका जो टेक्स्ट है इसका भी कलर एक्चुअली मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा, यहाँ पे कोई भी स्टाइल नहीं है, अभी थोड़ा सा स्टाइल मुझे अप्लाई करना है। तो आपको जो है यहाँ पे CSS कोड भी मिल जाएगा, यहाँ पे फुटर 4 आप जो है इसका आईडी देख सकते हैं, यहाँ पे कॉपी किया मैंने इसको, और उसके बाद जो है यहाँ पे CSS एरिया में मैंने आकर के इसे पेस्ट कर दिया, तो फुटर 4 के ऊपर ये इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ, और ये देखिए ये जो है हमारा यहाँ पे लोगों के ऊपर जो है ये इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया, ये जो मेन्यू है उसके ऊपर जो है ये इफेक्ट अप्लाई हो गया। तो वैसे ही आपके पास जो है काफ़ी सारे कोड है यहाँ पे पहले से ही कस्टमाइज किया हुआ, फॉर एग्जांपल ये आपको चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, HTML एडिटर में आना है, पेस्ट करना है, एडिटिंग करनी है, और उसके बाद जो है फिर HTML कोड में आना है, और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है आपको लेआउट्स में आना है, उसके बाद HTML जो है वो आपको ऐड करना है, पेस्ट करना है, और यहाँ पे सेव अरेंजमेंट मैंने कर दिया। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिंपल फेसबुक यूट्यूब ब्लॉगर एंड देन जो भी चीज़ है, लेकिन यहाँ से हम लोग जो है फिर यहाँ से CSS कॉपी करेंगे, और उसके बाद CSS वाले सेक्शन में जो है हम लोग यहाँ पे कोड ऐड कर देंगे, और वो स्टाइल जो है वो हमारे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे फेसबुक यूट्यूब गूगल है, और ये स्टाइल जो है ये हमारा अप्लाई हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कलर है, फॉन्ट है, टेबल कस्टमाइज़ करना है या फिर बॉर्डर डालना है, बॉर्डर रेडियस है, कुछ बटन्स वगैरह डालने हो तो आप जो है यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ये जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और उसके बाद जो है सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से इस कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे आईडी डालना है। आपको पता ही है कि स्टाइल से पहले जो है यहाँ पे आईडी आपको डालना है हर जगह। यहाँ पे जैसे देखें तो ये है हमारा स्टाइल है ना, यहाँ पे आईडी फुटर 4 है, तो मतलब ये इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। इस तरीके से जो है आपको एडिटिंग करनी है HTML एंड CSS की, फिर आप जैसा चाहें वैसा स्टाइल जो है अपने वेबसाइट में आप डाल सकते हैं, अपना मनचाहा स्टाइल। तो गाइज ये था HTML एंड CSS एडिटिंग, आप वेबसाइट के ऊपर मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट करके देख सकते हैं इस कोड को कॉपी करके आप जो है डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं, और भी ब्लॉगर से रिलेटेड जो है वो काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको इंग्लिश में मिल जाएंगे।
गाइज, अभी जो हमारी वेबसाइट का एड्रेस है वो है billyforyoudemo.blogspot.com। मुझे ब्लॉग स्पॉट नहीं यूज़ करा है, मुझे अपना कस्टम डोमेन यूज़ करा है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है आप अपना कस्टम डोमेन यूज़ कर सकते हैं और फ्री में अपनी वेबसाइट को जो है वो होस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो डोमेन होनी चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी डोमेन है तो अच्छी बात है, वरना आप डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके godaddy.com के ऊपर आ सकते हैं। बेस्ट प्लेस है स्पेशली डोमेन बाय करने के लिए। तो आपको पता ही होगा कि कैसे बाय करते हैं। सिंपल, यहाँ पे आपको जो है सर्च में जो भी आपका टर्म है वो आपको जो है वो सर्च करना है, जैसे बिल्ली फॉर यू डेमो मैं जो है डोमेन बुक करना चाहता हूँ, सर्च डोमेन, और जो भी रिलेटेड रिजल्ट्स होंगे वो यहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं billyforyoudemo.in जो है वो अवेलेबल है। अभी जो ऑफर प्राइस है वो है 149 रुपीज, लेकिन रेगुलर प्राइस जो है वो है 599। मतलब जब हम रिन्यू करेंगे इसको तो हमें जो है 599 रुपीज एक साल के जो है वो पे करने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपने जो सर्च किया हो वो अवेलेबल ना हो, तो आप जो है वो दूसरा टर्म ट्राई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आपको जो है काफी सारे सजेशंस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं billyforyoudemo.com है, रेगुलर प्राइस जो है वो है 1049 रुपीज। मतलब जब एक साल या दो साल के बाद जब हम इसको रिन्यू करेंगे तो ये 1049 रुपये का जो है वो हमें पड़ेगा एक साल के लिए, लेकिन अगर हम दो साल के लिए इसे अगर अभी बाय करते हैं तो 149 रुपीज हमें पड़ेगा। तो अब सिंपल आपको बाय करना है, ऐड टू कार्ट कीजिए। ओके, ये कार्ट में ऐड हो गया, कंटिन्यू टू कार्ट। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो है इसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स ऐड ऑन प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको नो थैंक्स कर दिया, कंटिन्यू टू कार्ट। ये है आपका कार्ट पेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉट इन डोमेन रजिस्ट्रेशन जो है एक ऐड है और दो साल के लिए जो है ये यहाँ पे ऐड हो गया है, जिसका प्राइस है 748 रुपीज। तो दो साल के लिए आप डोमेन बाय करेंगे और 748 रुपये में, तो बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप यहाँ से इसका ड्यूरेशन जो है वो कम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक साल के लिए बाय करना चाहते हैं, तो यहाँ से जो है आप इसको कम कर सकते हैं, 400 रुपये में आप जो है एक साल के लिए ये डोमेन बाय कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रोमो कोड वगैरह अप्लाई करना है तो आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है अगर कोई प्रोमो कोड होता है तो अप्लाई हो जाता है, डिस्काउंट आपको मिल जाता है, वरना डिस्क्रिप्शन में जो है प्रोमो कोड आपको मिल जाएगा, वो चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हैं। हो सकता है आपको जो है 30% का इसमें डिस्काउंट मिल जाए। एंड फाइनली आपको जो है यहाँ पे साइन इन करना है या फिर अकाउंट क्रिएट करना है, और उसके बाद जो है पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको पेमेंट के जो है वो काफ़ी सारे ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाएंगे। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद जो है होम पेज के ऊपर आ जाएंगे, और इसके बाद जो है यहाँ पे आप अपने नाम के ऊपर या फिर आप अपने कस्टमर आईडी के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे विजिट माय अकाउंट के ऊपर क्लिक कीजिए। ये है आपका अकाउंट सेक्शन, यहाँ पे डोमेन्स में जो है आपके सारे डोमेन्स मिल जाएंगे। अगर आपने मल्टीपल डोमेन जो है वो बाय किया है तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो है काफ़ी सारे डोमेन हैं, मैं अपना डोमेन जो है वो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ जो डोमेन मुझे यूज़ करना है। तो ये है billyforyou.in। ओके, मैं इसके DNS में जाता हूँ, यहाँ पे DNS। ओके, ये है DNS मैनेजमेंट। यहाँ पे जो है आप रिकॉर्ड्स वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने ब्लॉगर के ऊपर, और उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास पब्लिशिंग है, ब्लॉक एड्रेस। मैंने आपको बताया था कि यहाँ से आकर के जो है आप ब्लॉक एड्रेस वगैरह अगर आपको चेंज करना हो तो आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमारे पास एक ऑप्शन है, सेटअप ए थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जो है आपको अपना डोमेन डालना है, तो जो भी डोमेन आपने बाय किया है वो वहाँ पे आपको एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूं www.billyforyou.in, billyforyou.in, और उसके बाद क्या करना है, सेव। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है मैसेज आ रहा है, ब्लॉगर का कहना है कि मैं ये वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ कि ये आप ही का डोमेन है। तो हमें जो है इस डोमेन को वेरीफाई करना है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ से जो है, यहाँ पे आपको एक्चुअली इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा कि आपको जो है 2CNAME क्रिएट करना है, यहाँ पे नेम है और यहाँ पे टारगेट या फिर पॉइंट टू या फिर डेस्टिनेशन है। तो सिंपली यहाँ पे www है, आप जो है इसको कॉपी कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है CNAME क्रिएट करना है। तो नया CNAME क्रिएट करने के लिए ऐड में जाइए। यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी जो है वो ब्लैंक है, यहाँ पे CNAME देखिए, CNAME, सिंपल इसके एडिट में चलते हैं और यहाँ पे ये है हमारे पास होस्ट www है ना, ये www, और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट टू में जो है हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे ये। ओके, कॉपी किया मैंने इसको और उसके बाद पॉइंट टू, ठीक है, एंड देन मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, ये सेव हो गया। अब दूसरा CNAME हमें क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ से नेम जो है इसका कॉपी कर लेता हूँ, लेबल, और उसके बाद एड एंड टाइप में यहाँ पे हमें CNAME सेलेक्ट करना है। ओके, और यहाँ पे होस्ट में हमें डालना है ये कोड, और यहाँ पे पॉइंट टू में हमें जो है
यहां से स्कोर को कॉपी करना है, कॉपी, और यहां पे आकर के हमें उसे पेस्ट कर देना है, सेव। ओके, ये हमारा सी नेम जो है वो क्रिएट हो गया। मैं यहां पे इसको रीलोड कर लेता हूं। ओके, ये दो सी नेम जो है हमने क्रिएट किया है, और उसके बाद जो है फाइनली आपको यहां पे आना है और इसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपने सब कुछ ठीक से डाला होगा तो यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, वरना अगर ये ठीक से आपने नहीं डाला होगा तो आपका जो है यहाँ पे ये चीज़ सेव ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनली आपको फिर से एडिट में जाना है यहाँ पे, और उसके बाद रीडायरेक्ट के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है एंड देन सेव। अब यहाँ पे अगर हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर जाते हैं व्यू ब्लॉक के ऊपर, ओके, तो रीडायरेक्ट तो हो जा रहा है लेकिन यहाँ पे एक एरर आ रहा है, तो कई बार ऐसा होता है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, HTTPS को जो है हम यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं, नो। ओके, मैंने नो कर दिया, कई बार जो है वो SSL की वजह से ऐसा होता है। ओके, तो मैंने फिलहाल इसको नो कर दिया। उसके बाद हम लोग फिर से जाते हैं व्यू ब्लॉक के ऊपर। ओके, ये हमारा वेबसाइट जो है वो ओपन हो गया, तो परफेक्टली हमारा सेटअप हो गया है। अभी आपको जो है कुछ और भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे फॉलो करने हैं, तो ये हमारा जो है रीडायरेक्ट हो गया www.billyforyou.in के ऊपर। ओके, हमारा जो ओल्ड एड्रेस था वो था billyforyoudemo.blogspot.com, और हमारा जो न्यू हमारा जो ओरिजिनल डोमेन है वो है billyforyou.in। तो सिंपल, अब हमारा वेबसाइट जो है इसके ऊपर रीडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आपको जो है कुछ और भी इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, उन सभी को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे अगर सेटिंग इंस्ट्रक्शंस में जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ आईपी एड्रेस वगैरह हैं जिन्हें हमें जो है अपने डीएनएस मैनेजमेंट में जो है वो डालना है। तो ये हमारे पास आईपी एड्रेस है, मैंने इसको यहां से कॉपी कर लिया। आपको जो है ए रिकॉर्ड क्रिएट करना है, ए रिकॉर्ड ए क्रिएट करना है, ऐड यहां से ए सेलेक्ट, टाइप जो है वो ए। अब यहां पे हम लोग होस्ट में डालेंगे एट द रेट, और इसके बाद पॉइंट टू में जो भी हमने कॉपी किया है वो हम यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, 32 21, सेव। ऐसे ही करके हमें जो है ये सारा रिकॉर्ड जो है वो हमें डालना है यहाँ पे। ओके, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे जो है आपको बस जो है इसे सेव कर देना है, सिंपल सेव कर दीजिए। हम पहले ही से जो है वो सेव कर चुके हैं इसको, हम पहले ही जो है वो इसको सेव कर चुके हैं, फिलहाल ये सेव नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जो है सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं। अपडेट होने में जो है वो थोड़ा सा टाइम लग जाता है डीएनएस अपडेट होने में, तो आपको जो है थोड़ा सा इंतज़ार करना है, और उसके बाद जो है फिर से आप जो है अगर HTTPS ऑन करेंगे तो आपको जो है वेबसाइट वो परफेक्टली रन होने लगेगा। बस थोड़ा सा जो है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTTPS जो है वो अभी प्रोसेस हो रहा है, आपको जो है बाद में आकर के चेक करना है। तो थोड़ी देर के बाद, 1-3 घंटे बाद या फिर 24 घंटे के अंदर जो है वो ये आपका अपडेट हो जाएगा, फिर यहाँ पे जो है ये ब्रोकन लिंक जो है वो आपका नहीं होगा। तो गाइज, इस तरीके से आप जो है डोमेन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा वेबसाइट जो है वो फाइनली रेडी है। अब हमें गूगल एनालिटिक्स जो है वो इससे अटैच करना है, ताकि हम इस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन देख सकें कि कितने यूजर जो है वो डेली विजिट कर रहे हैं, कितने लाइव यूजर्स हैं, और भी दूसरी इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले आप जो है गूगल में गूगल एनालिटिक्स सर्च कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे analytics.google.com के ऊपर विजिट कीजिए, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन अप करेंगे। यहां पे अब हमारे पास जो है कुछ इंफॉर्मेशन है फिल करने के लिए। सबसे पहले यहां पे अकाउंट का नाम आप क्या डालना चाहते हैं, तो मैं यहां पे डाल देता हूं बिल्ली फॉर यू डेमो। ओके, और उसके बाद वेबसाइट का नाम क्या है, बिल्ली फॉर यू। वेबसाइट का URL क्या है वो यहाँ पे आपको डालना है, तो सिंपल आपको पता ही कि आपके वेबसाइट का URL क्या है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, HTTP जो है वो आपको हटा देना है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे है ऑलरेडी HTTP। इंडस्ट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए, किस कैटेगरी के अंदर जो है वो याद है, तो कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। टाइम जोन जो है वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो मैं यहाँ पे इंडिया डाल देता हूँ। ओके, इंडिया, एंड उसके बाद जो है ये सारे ऑप्शन आपके मार्क है, एंड देन गेट ट्रैकिंग ID। ओके, यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन है वो जो है आप यहाँ पे रीड कर लीजिए। तो इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे काफ़ी सारी कुछ हैं, तो आप जो है वो रीड कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, एंड आई एक्सेप्ट। ओके, नो थैंक्स। तो
तो ये है हमारा ट्रैकिंग कोड, इसे हम लोग जो है अपने वेबसाइट के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉगर में हमें जो है सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैकिंग आईडी की जरूरत है, ये पूरा का पूरा कोड है हमारे पास। अगर हमारा जो वेबसाइट है वो किसी दूसरी जगह पे है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आपको दिया हुआ है कि कहाँ पे इसे पेस्ट करना है, हेड के अंदर जो है ना वो आपको इस कोड को कहीं पे भी पेस्ट कर देना है। फिलहाल हमें इस सिर्फ और सिर्फ इस ट्रैकिंग आईडी की जरूरत है, तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद हम आते हैं अपने ब्लॉग में और यहाँ पे हम लोग चलते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद आई थिंक ऑर्डर में ऑर्डर में यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एनालिटिक्स वेब प्रॉपर्टी आईडी पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद सेव सेटिंग्स। ओके ये हमारा सेव हो गया। अब यहाँ पे जो है हम लोग आ जाते हैं होम पेज के ऊपर। ओके अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे आपके पास ये है बिल्ली फॉर यू डेमो, बिल्ली फॉर यू ऑल वेबसाइट्स। अब यहाँ पे अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी विजिट करता है, सॉरी मैं यहाँ पे फिर से होम पेज के ऊपर आ जाता हूँ। अब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई भी विजिट करता है तो हमें जो है उसकी लाइव इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने दूसरे ब्राउजर में यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर विजिट करता हूँ। ओके यहाँ पे मैं विजिट करता हूँ और ये आर्टिकल जो है हमने यहाँ पे ओपन कर लिया। ओके ये थे हमारा आर्टिकल। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे एनालिटिक्स में। ओके एनालिटिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक यूजर जो है वो एक्टिव यूजर, यहाँ पे रियल टाइम में आप जा सकते हैं और रियल टाइम में देख सकते हैं कि एक्टिव यूजर हमारे यहाँ पे कितने हैं। ओके तो यहाँ पे जो है मैं फिलहाल इसको कट कर देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोज, इसको रीलोड कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे एक्टिव यूजर अभी एक है वो भी डेस्कटॉप से और यहाँ पे कौन से पेज के ऊपर है वो भी यहाँ पे शो कर रहा है, साथ ही जो है वो लाइव लोकेशन भी शो कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं अगर किसी दूसरे यूआरएल के ऊपर जाता हूँ, होम पेज के ऊपर जाता हूँ, तो वो भी जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा हमारा। ओके तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब थोड़ा सा जो है वो डिले होता है। तो यहाँ पे जो है ये यूआरएल जो है वो हमारा चेंज हो गया कि मैं अभी होम पेज के ऊपर हूँ। तो यहाँ से जो है आप लाइव देख सकते हैं, उसके बाद जैसे जैसे अपडेट होगा काफ़ी डिटेल्स में जो है वो यहाँ पे आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है तो लाइव इंफॉर्मेशन देखनी हो तो आप देख सकते हैं कि आपके वेबसाइट के ऊपर कितने लाइव यूजर हैं। अब यहां पे अगर आपको फिर से जो है फॉर एग्जांपल ये होम पेज के ऊपर आप आ गए, फिर से आपको ट्रैकिंग कोड एक्सेस करना है तो यहां पे एडमिन का सेक्शन है, एडमिन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये है आपका एडमिन सेक्शन। यहाँ पे आपको जो है अकाउंट सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे अभी हमारे पास एक ही अकाउंट है और उसके बाद यहाँ पे इस सेक्शन में जो है आपको यहाँ पे ट्रैकिंग इन्फो मिल जाएगा। तो ये है ट्रैकिंग कोड और ये है हमारा यहाँ पे ट्रैकिंग कोड। अगर आपको एक्स्ट्रा अकाउंट क्रिएट करना हो तो क्रिएट प्रॉपर्टी में जाइए और उसके बाद फिर वही सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको डालने होंगे। तो ये था हमारा कि किस तरीके से जो है हम ब्लॉगर में गूगल एनालिटिक्स जो है वो सेटअप कर सकते हैं और रियल टाइम में जो है वो यूज़र की इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे जो वेबसाइट है या फिर ब्लॉग है वो फाइनली रेडी है। अब हमें इसे जो है गूगल के वेब मास्टर टूल या फिर उसको जो है मॉडिफाई करके अब सर्च कंसोल कर दिया गया उससे कनेक्ट करना है ताकि हम जो है वो सर्च इंजन के ऊपर पूरी तरीके से नजर रख पाएं कि हमारे जो वेबसाइट है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हमें अपने वेबसाइट के जो है पोस्ट वगैरह को सबमिट करना हो सर्च इंजन में तो वो सारी चीज़ें हम लोग जो है वो सर्च कंसोल से ही कर सकते हैं। तो सिंपल आपको जो है गूगल में गूगल सर्च कंसोल जो है सर्च करना है और ये है search.google.com, इसके ऊपर विजिट कीजिए स्टार्ट नाउ और इसके बाद यहां पे जो है आपको अपना डोमेन डालना है। तो आपको पता ही है कि आपका डोमेन क्या है, billyforyou.in। तो मैं यहां पे डाल देता हूं billyforyou.in और इसके बाद कंटिन्यू चेकिंग वेरिफिकेशन ऑनरशिप ऑटो वेरीफाइड। ओके चूंकि हमने जो है ब्लॉगर में इसका यूज किया था तो ये हमारा ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो गया, लेकिन अगर आपने ब्लॉगर में वेरीफाई नहीं किया होता डोमेन को तो वेरीफाई ये नहीं होता। गो टू प्रॉपर्टी, ओके यहां पे इंफॉर्मेशन है स्टार्ट। अब यहां पे जो है ये हमारा डोमेन ऐड हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं billyforyou.in ये हमारा प्रॉपर्टी है। अभी यहां पे अपडेट होने में जो है इंफॉर्मेशन 2 दिन का डिले होता है तो यहां पे आप जो है टोटल पूरी तरीके से देख पाएंगे कि कितना जो है आपका इंप्रेशन आया, मतलब गूगल सर्च में जो है आपका वेबसाइट कितनी बार शो किया गया, कितना जो है क्लिक हुआ, लोगों ने क्या सर्च किया था कि आपका वेबसाइट जो है वो शो हुआ और बहुत कुछ जो है यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है एक साइट मैप का ऑप्शन मिल जाता है तो आप जो है साइट मैप जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो साइट मैप क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल गूगल में सर्च करना है साइट मैप जनरेटर।
ओके साइट मैप जनरेटर, और ये है हमारे पास XML साइट मैप जनरेटर, और उसके बाद जो है आपको अपना डोमेन कॉपी करना है यहाँ से और यहाँ पे आकर के बस पेस्ट कर देना है. ओके एंड देन स्टार्ट. अब आपकी वेबसाइट के ऊपर जितना ज्यादा पोस्ट होगा उतना ज्यादा यहाँ पे टाइम लग सकता है, तो आपको बस जो है वो थोड़ा सा इंतजार करना है. ओके व्यू साइट मैप. ओके तो हमारा जो साइट मैप है वो यहाँ पे जनरेट हो गया है. अब बस आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च कंसोल में जाना है और ये है इंडेक्स में साइट मैप, और यहाँ पे URL जो है वो पेस्ट कर देना है आपको. सिंपल क्या, आपका वेबसाइट और /sitemap.xml, तो ये है URL www.believeforyou.in/sitemap.xml एंड सबमिट. सबमिटिंग साइट मैप, गॉट इट. ओके तो यहाँ पे जो है साइट मैप हमारा सबमिट हो गया. यहाँ पे इसमें जो है 97 URL है. उसके बाद जो है आपको धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी कि कौन सा URL जो है वो सबमिट हो गया है, कौन सा URL जो है वो इंडेक्स हो गया है. 2-3 दिन के बाद जो है आप यहाँ पे आके देखेंगे तो आपको जो है काफ़ी डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएंगी. तो गाइज ये था कि आप अपने वेबसाइट में जो है वो साइट मैप कैसे ऐड करते हैं. तो गाइज ये था कि सर्च इंजन से हम अपने ब्लॉग को जो है वो कैसे कनेक्ट करते हैं, और उसके बाद जो है साइट मैप जो है हम लोग कैसे सबमिट करते हैं. तो सिंपल आपको क्या करना था, साइट मैप जनरेट करना था, और उसके बाद जो है URL यहाँ पे आकर के आपको पेस्ट करना है, believeforyou.in/sitemap.xml. तो गाइज ये है हमारी वेबसाइट. आप जो है अपने तरीके से करके काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा. आई नो कि मैंने भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया है. आप हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जो है काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स जो हैं वो ब्लॉगर से रिलेटेड या फिर दूसरे से रिलेटेड जो है वो मिल जाएंगे. ओके गाइज तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आएगा. मुझे पता है कि वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है मेरी, क्या करूँ, समझाने की आदत है तो इस चक्कर में जो है काफ़ी बड़ी हो जाती है वीडियो. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए. लाइक तो जरूर कीजिए यार, इतनी मेहनत करता हूं तो एक लाइक तो डिजर्व करता ही हूं. तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए. अगर आप नए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन जरूर जो है वो एनेबल कर लीजिएगा. अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें लिख सकते हैं support@believeforyou.com के ऊपर. खैर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज. जय हिंद.